Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really, really great. And in this particular class, we are going to cover study material questions of chapter number 3. We are going to cover each and every question. अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को देखना नहीं शुरू किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, सो स्टार्ट वॉचिंग दिस क्लासेस, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू आर गोइंग टू गेट lots of concept clarity. In fact, उन concepts को लेकर भी जो आपने अपने end पे cover किए हैं, जब आप questions को देखोगे institute के, तो आपके concepts और refine होंगे, ठीक है? So lecture को शुरू करने से पहले, अगर आप channel पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, then do subscribe this channel, do like this video and do comment on this video, because more you will put a comment on this video, उतनी ही ज़्यादा इस channel की reach होगी और उतनी ही ज़्यादा लोगों तक ये video जाएगी. So yeah, start. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. एसए नंबर 300 की क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है, उसका नाम है XWL लिमिटेड और कंपनी कॉमोडिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है. कंपनी आपकी सूरत बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने CAP जो कि बेस्ड है दिल्ली के अंदर, उसको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन आगे कहता है दैट द ऑडिटर डिड नॉट इवन वंस विजिट द ऑफिस ऑफ कंपनी. कंपनी के ऑफिस को आपके ऑडिटर ने एक बार भी विजिट नहीं किया. एंड फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, और आपकी कंपनी किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन नहीं करी CAP ने. ऑल द पेपर्स एंड अकाउंट बुक्स वर रिसीव्ड ऑन ईमेल्स एंड ऑडिट वॉज कंक्लूडेड. आपके ऑडिटर को जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए थी, जो भी पेपर्स रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर हर एक चीज ऑडिटर को ईमेल पे मिल गई और उसने अपनी ऑडिट को ऐसे कंक्लूड कर दिया. आगे कहते हैं क्वेश्चन देयर वर आल्सो इंक्लूडेड इन हिज वर्किंग पेपर्स. ऑडिटर ने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, जो उसने वर्किंग पेपर्स बनाए हैं सीएपी ने, उसके अंदर एक चेकलिस्ट थी और वो चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके ऑडिटर को टेस्ट बेसिस पे चेकिंग करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स. However, there was nothing in his working papers showing the understanding of nature of business of company. Documentation के अंदर, CAP के working papers के अंदर कोई भी ऐसा document नहीं था जो इस चीज को show करे कि आपके auditor ने entity की understanding obtain करी है. अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कहता है व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन द प्लानिंग ऑफ ऑडिट बाय सीएपी. आपको क्या लगता है कि क्या सीएपी ने अपनी ऑडिट की प्लानिंग करी है. आंसर इज नो. राइट. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना एसए नंबर 300 की, दैट मींस एसए नंबर 300 क्या रिक्वायरमेंट लगा रहा है ऑडिटर के ऊपर, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. एज सच कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा नहीं यहां पे, आप बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए. ओके. सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने आपको क्या बताया यहां पर आंसर के अंदर, ये इंस्टीट्यूट ने जो एसए नंबर 300 की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है एसए नंबर 300 ऑडिटर के ऊपर, जो ऑब्जेक्टिव फिक्स करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट को प्लान करना है, काम को करने से पहले उसको प्लानिंग करनी है इन सच अ वे दैट ऑडिट कैन बी कंक्लूडेड इफेक्टिवली. और मैंने आपको ये बताया भी था जब हमने चैप्टर नंबर 3 को कवर किया कि प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट का मतलब कि ऑडिटर अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनाएगा और अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान भी बनाएगा. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी मतलब क्या, ऑडिटर अपनी ऑडिट का STD डिसाइड करेगा, दैट मीन स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन, एंड जब वो प्लान बनाएगा उसके अंदर उसको अपने NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने हैं, दैट इज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसको यहां पे डिसाइड करना है. लेकिन अगर तुम इस सिनेरियो को देखोगे, ऑडिटर ने एंटिटी को समझा नहीं, उसके बिजनेस को समझा नहीं, वो कभी उस एंटिटी की मतलब अपने क्लाइंट की साइट पे उसने विजिट नहीं किया, ये इंडिकेट करता है कि उसने प्लानिंग नहीं करी. क्योंकि अगर आपको प्लानिंग करनी है तो भी आपको सबसे पहले एंटिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले एसए नंबर 300 जो ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव लगाता है, ये यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर. कहता है एसए नंबर 300 स्टैंडर्ड का नाम, उसके बाद स्टैंडर्ड का सबसे पहले स्टैंडर्ड का नंबर, फिर स्टैंडर्ड का नाम, दैट इज प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर एसए नंबर 300 ऑडिटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे, कहता है इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट, कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट की प्लानिंग करनी है. क्यों और कैसे, ताकि ऑडिट को इफेक्टिव वे में कंक्लूड किया जा सके, इस मैनर में उसको प्लानिंग करनी है, सो दैट ऑडिट कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली.
और क्या ऑब्जेक्टिव है आपके ऑडिटर का एज पर एस नंबर 300। इट ऑल्सो रिक्वायर कि आपके ऑडिटर को एस्टैब्लिश करनी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया था प्लानिंग एंड ऑडिट का मतलब स्ट्रेटजी को डिसाइड करना और प्लान को डेवलप करना। तो कहता है एसए नंबर 300 ऑल्सो रिक्वायर्स ऑडिटर टू एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इट इंक्लूड्स, और जब तुम पढ़ोगे ना जाके वहां पे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, कि आपकी एंगेजमेंट है क्या, मतलब किस टाइप के बिजनेस में आपका क्लाइंट इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें, पूरी लिस्ट है वहां पे, राइट। फैसिलिटेटिंग हिम टू डिफाइन द स्कोप एंड प्लानिंग ऑफ एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ताकि ऑडिटर अपनी ऑडिट का स्कोप डिसाइड कर सके एंड प्लान कर सके अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइम, एक्सटेंट। लेकिन उसने तो कोई अपनी इंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स को समझा ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका क्लाइंट का जो बिजनेस है वो क्या है, उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन ही नहीं करी, ठीक है। तो कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा क्या हुआ है, एसए नंबर 300 क्या रिक्वायरमेंट डालता है ऑडिटर के ऊपर, वो लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट कहता है एसए नंबर 300 प्लानिंग की बात चल रही है, फर्दर रिक्वायर्स ऑडिटर, वहां पे आप जाके देखोगे डॉक्यूमेंटेशन की भी बात है कि ऑडिटर जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, जो भी वो अपनी प्लानिंग करेगा, उसको प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो कहता है एसए नंबर 300 फर्दर रिक्वायर्स ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और अगर उस स्ट्रेटजी और उस प्लान के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं वो भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं। आगे कहते हैं इस गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है, मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो में क्या हो रहा है। इन दिस गिवन सिचुएशन ऑडिटर डिड नॉट वंस विजिट द कंपनी, ऑडिटर कभी कंपनी के ऑफिस में नहीं गया और उसने आपकी कंपनी के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करी, देयरफॉर उसने एसए नंबर 300 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया। ही हैज फ्लाउटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 300 टू प्लान द ऑडिट। इस वे में प्लानिंग करनी चाहिए थी सो दैट ऑडिट कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, लेकिन उसने तो स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं, राइट। द ऑडिटर हैज टू प्लान द ऑडिट कम्युनिकेट टू द एंटिटी नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। और प्लानिंग जब आप करते हो, ऑडिटर अपना प्लान कैसे बनाता है, वो आपकी एंटिटी को समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि किस नेचर का बिजनेस है आपकी इस कंपनी का, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तभी आप प्लान करोगे ना कि आपको कितने हद तक आपको चेकिंग करनी है, क्या आपके एंटी ही होगा ऑडिट प्रोसीजर का। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर ने ऐसे कोई अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करी। एंड आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। फर्दर वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिटर ऑल्सो डू नॉट शो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ऊपर लिखा हुआ है उसने लास्ट पॉइंट के अंदर कि ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर्स है उसके अंदर कोई भी उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बातें नहीं है। इट इज अगेन अ वायोलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 300 इंक्लूजन। फिर उसने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स के अंदर चेकलिस्ट इंक्लूडेड है, जो रिक्वायरमेंट लगाती है कि आपके ऑडिटर को चेकिंग करनी है टेस्ट बेसिस पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये रिक्वायरमेंट आपकी एक जनरल चेकलिस्ट है, कोई स्पेसिफिक चेकलिस्ट नहीं है, राइट। तो कहते हैं इंक्लूजन ऑफ अ चेकलिस्ट इन वर्किंग पेपर्स हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेक टेस्ट चेकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स शोज इट वाज अ जनरल चेकलिस्ट। मतलब जनरली आप ऑडिट करने चाहोगे तो आपको ये चीजें चेक करनी है, तो इट इज अ जनरल चेकलिस्ट जो आप किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एंड ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइप के बिजनेस के लिए, एंड स्पेसिफिक्स ऑफ बिजनेस वर नेवर अंडरस्टूड। तो ये आप अगर आप बिजनेस को समझते फिर आप स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनाते तो आपको समझ में आता, तो भी हम कहते हैं कि अच्छा आपने ऑडिट की प्लानिंग करी थी, बट ये एक जनरल चेकलिस्ट है, ये नहीं शो करता कि आपके ऑडिटर ने प्रॉपर प्लानिंग करी है। कंक्लूजन क्या है कि आपने जो ऑडिट कंडक्ट करी है वो इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट नहीं हुई है एज पर एसए नंबर 300। समझ में आया? तभी मैंने बोला कि अगर आप इन कंसेप्ट को देखने को जाओगे ना अपने स्टैंडर्ड के अंदर, आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, लेकिन एज सच कोई एक कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सीए प्रद्युमन इज प्लानिंग फॉर एन ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर, ओके। तो वो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, और इस लिस्टेड कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है, ओके। व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज, मतलब जब वो प्लानिंग कर रहा था, ही हैज मेड अ लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसीजर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। कहते हैं कि ऑडिटर अपने प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि उसको कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जब वो ऑडिट को करना शुरू करेगा, सही कर रहा है। अब प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करते हो कि आपका एनटीई क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर का, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है
He has further made up his mind to decide about the sample size at the time of performing various planned procedure. वो कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि जब मैं काम को करना शुरू करूंगा, जब मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना शुरू करूंगा, उस टाइम पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा सैंपल का साइज क्या होगा। समझ में आ रहा है? प्लानिंग के टाइम पे नहीं, जब मैं काम को करना शुरू करूंगा उस टाइम पे मैं सैंपल के साइज को डिटरमाइन करूंगा। अब आपको यह बताना है क्या ये उसका अप्रोच प्रॉपर है। आंसर इज नो। आप क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, कितनी चेकिंग करोगे, एक्सटेंट सैंपल साइज क्या है, एक्सटेंट कि आपको कितना नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉपुलेशन ट्रेड रिसीवेबल्स की पॉपुलेशन है, उस ट्रेड रिसीवेबल्स की पॉपुलेशन में से आप कितने नंबर ऑफ डेटर्स की चेकिंग करोगे, दैट इज योर सैंपल साइज। या प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड करते हो ना कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो आपके इस सीए का अप्रोच प्रॉपर नहीं है। आंसर क्या लिखा हुआ है, कहता है एसए नंबर 300 स्टेट दैट ऑडिट प्लान के अंदर क्या होता है, एनटीई, कहता है इट include the description of NTE of the audit procedure, NTE nature time extent, third जो ये extent है इसका NTE का third element discuss हो रहा है यहाँ पे, therefore the extent of audit procedure, तो जब तुम extent की बात कर रहे हो ना, extent मतलब कि मुझे कितनी checking करनी है, कितना मेरा sample size होना चाहिए, तो कहते हैं the extent of audit procedure also include इट ऑल्सो इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल साइज। तो जब तुम कह रहे हो कि प्लानिंग के टाइम पे तुम एनटीई डिसाइड करते हो, तो मतलब किस एक्सटेंट तक तुम चेकिंग करोगे, क्या तुम्हारा सैंपल साइज होगा, वो भी तुम प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करोगे। सो इन दिस गिवन सिचुएशन वो जो डिसाइड कर रहा है ना कि मैं जब मैं अपने काम को करना शुरू करूंगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा सैंपल का साइज क्या होगा, ये उसका अप्रोच प्रॉपर नहीं है। वेरियस प्रोसीजर जो प्लान्ड किए हैं, दोज नीड टू बी अंडरटेकन शुड ऑल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन रिलेटिंग टू सैंपल साइज टू बी टेस्टेड। तो प्लानिंग के टाइम पे तुम डिसाइड करोगे कि कितना तुमने सैंपल साइज रखना है, क्या कितने तुम ट्रेड रिसीवेबल्स की चेकिंग करोगे, जिस भी तुम बैलेंस की या जिस भी तुम आइटम की चेकिंग कर रहे हो उस पॉपुलेशन के रिलेशन में तुम्हें कितने आइटम की टेस्टिंग करनी है, ये तुम प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करोगे। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। सीए निकिता इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ लीडिंग सोसाइटी। सोसाइटी की ऑडिट कर रही है सीए निकिता। सोसाइटी किसके अंदर इंगेज्ड है, मतलब सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है। इट इज इंगेज्ड इन प्रमोटिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट अमंग द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू इजिली अंडरस्टैंडेबल मीन्स एंड मेथड। सोसाइटी क्या काम कर रही है, सोसाइटी का काम है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है सोसाइटी का, कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज है ना, जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं सोसाइटी के हमारे, उनके उनको ये अवेयर करती है अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट थ्रू वेरी सिंपल मीन्स। राइट, द सोसाइटी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर FCRA 2010। सोसाइटी फॉरन से कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करती होगी, देयरफॉर सोसाइटी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड है फॉर द रिसिप्ट ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। सही बात है। आगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट हो रही थी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट शी एम्बार्क्ड अपॉन एक्सटेंसिव ऑडिट एक्सटेंसिव प्रोसीजर रिलेटिंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूल आउट राउंड ट्रिपिंग। वो कहती है कि ऑडिट के दौरान उसने क्या बोला कि मैं एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगी। एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या, इन डेप्थ मैं चेकिंग करूंगी इन कंपैरिजन टू द प्रोसीजर ओरिजिनली थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था, जो उसका ओरिजिनल प्लान था, उसका ओरिजिनल प्लान इन डेप्थ चेकिंग करने का नहीं था। अब जो वो काम कर रही है, काम करते वक्त वो डिसाइड करी है कि मैं एक्सटेंसिव चेकिंग करूंगी, मतलब जो उसका प्लान था उसमें वो चेंज करी है। एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म क्यों करिए, ताकि जो राउंड ट्रिपिंग के केसेस हैं, पैसा घुमाने वाले केसेस हैं, उनको वो चेक कर सके, उनको वो पकड़ सके। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि आपकी इस सीए निकिता ने जो ओरिजिनल प्लान बनाया था, इसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसके अंदर रिविजन करी है। शी इज डॉक्यूमेंटिंग वेरियस प्रोसीजर परफॉर्म बाई हर इंक्लूडिंग रेलिवेंट ऑडिट फाइंडिंग्स। यस, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। आप अपने ऑडिट प्लान के अंदर चेंजेस करते हो, उसकी भी आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे। आपको जो ऑडिट फाइंडिंग्स मिलती है वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो ये बिल्कुल सही करी है। However, she does not feel the need for putting into writing about she how she planned the whole exercise. वो कहते हैं कि सब कुछ वो काम की डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, लेकिन उसको प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन करना सही नहीं लगता। डज शी रिक्वायर रिफ्रेशिंग ऑफ हर नॉलेज। आपको क्या लगता है कि सीए निकिता की नॉलेज सही है या उसको अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने की जरूरत है? आंसर इज उसको अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे नंबर 300 कहता है कि आप
बींग एन ऑडिटर, जब भी आप अपनी ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग पे जो भी आपने डिसाइड किया कि मेरा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये होगा, राइट, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है. जो आपका ओरिजिनल प्लान था, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को कोई भी एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं या कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस उसके सामने आते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर डिसाइड करता है कि मुझे अपने ऑडिट प्लान को रिवाइज करना है, तो ऑडिटर को ये भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ऑडिटर अपने प्लान को चेंज कर रहा है. तो सीए निकिता की जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं है. आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 पे जाओगे तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, चेंज ऑफ ऑडिट प्लान का. मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ ताकि जो यूट्यूब के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सके, ठीक है. कहता है ये एसए नंबर 300 रिक्वायर्स ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान. यस, आपने जो भी ऑडिट प्लान बनाया, दैट मीन्स जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है ऑफ द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है. जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है. यहाँ पे आपकी सीए निकिता ने ओरिजिनली ये डिसाइड नहीं किया था कि वो इतनी एक्सटेंसिव चेकिंग करेगी, लेकिन जब उसने काम को करना शुरू किया उसने अपना प्लान बदला, वो बदल सकती है, राइट. आगे कहता है इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट द reasons फॉर सच आ चेंज. आप अपनी प्लानिंग में क्यों चेंज कर रहे हो, आपको उसके reasons की डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है, ओके. आगे कहता है द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों रिक्वायर्ड है, कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान, जो ऑडिटर अपने प्लानिंग कर रहा है अगर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ये क्या शो करेगा, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान एनटीई ऑफ रैप एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क. ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन क्या कर रहा है, प्लान के अंदर वो क्या बनाता है, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ रैप एंड अदर प्लान प्रोसीजर, यही तो हमने सीखा था ना, तो उसी की डॉक्यूमेंटेशन करेगा. सो दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विच आर बीइंग डिसाइडेड बाय ऑडिटर टू परफॉर्म एज अ रिस्पॉन्स, राइट. आगे कहते हैं इट ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस. और जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो ये शो करता है कि आपने ऑडिटर ने अपने काम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी थी. आगे कहते हैं फर्दर चेंजेस टू ऑडिट प्लान अलोंग विद द रीजंस देयर ऑफ ड्यू टू embarking upon extensive procedure relating to verifications of foreign contribution in comparison to what was originally envisaged needs to be documented. तो जो आपकी original understanding थी, right, उसके जो आपकी ऑडिटर की ओरिजिनल प्लानिंग थी उसके अंदर चेंजेस कर रहा है ऑडिटर. सीए निकिता ओरिजिनली इतने एक्सटेंसिव चेकिंग नहीं कर रही थी, बट नाउ सीए निकिता इज चेंजिंग हर ऑडिट प्लान, तो उसको भी उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी करनी पड़ेगी. रीजन क्या है इस चेंज की, ये भी उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. फेलियर टू डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान कुड एंटेल रिस्क ऑफ नॉट कंडक्टिंग द ऑडिट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो अपने प्लान की, इसका मतलब आप ऐसे नंबर 300 का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो. आप ऐसे नंबर 300 का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, इसका मतलब ऑडिटर अपनी ऑडिट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है. और यहां पे ऐसे नंबर 220 भी एप्लीकेबल हो जाएगा. क्या कि अगर आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप नॉन कंप्लायंस करो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का, तो आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट नहीं कर रहे हो. समझ में आया? तो ये भी आपका, मैं कहूंगी कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है एसए नंबर 300 का. एसए नंबर 300 के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको रिलेटिवली सिंपल लगेंगे. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहे हैं. सीए सौरभ इज द एंगेजमेंट पार्टनर कंडक्टिंग द स्टेचुरी ऑडिट ऑफ बीबीआई बैंक फॉर एसबीटी एंड एसोसिएट. सीए सौरभ एंगेजमेंट पार्टनर है किस ऑडिट एंगेजमेंट का, और ये ऑडिट किसकी हो रही है, बीबीआई बैंक की हो रही है. और ये सीए सौरभ कहां पे काम करता है, सीबीटी एंड एसोसिएट में काम करता है, ओके. The bank has 1034 branches spread all over the country, which are audited by the branch auditor. Okay, तो bank की branches हैं बहुत सारी, 1034 इसकी branches हैं, और उनकी audit company का auditor नहीं करता, उनकी audit branch के auditor करते हैं. अच्छा, in respect of one large branch which is audited by branch auditor. एक ब्रांच है जिसकी ऑडिट कौन कर रहा है, कोई ब्रांच ऑडिटर कर रहा होगा. देर वर एरर इन द एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ मेनी एडवांसेस विच वर नॉट पॉइंटेड आउट बाय द ब्रांच ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस एंड निल मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस वॉज रिपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब आप एचओ के ऑडिटर हो,
आप क्या हो, प्रिंसिपल ऑडिटर हो, और इस बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज है जिनकी ऑडिट आपका कंपनी का ऑडिटर नहीं कर रहा, ब्रांच का ऑडिटर कर रहा है। उनमें से एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच के ऑडिट किसी ब्रांच ऑडिटर ने करी, एंड वहां पे उस ब्रांच के अंदर एनपीए की क्लासिफिकेशन के अंदर कोई एरर थी, कोई गलती थी, जिसको आपके इस ब्रांच के ऑडिटर ने पॉइंट आउट नहीं किया। आगे कहता है, ड्यूरिंग द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक बाय द स्टैचुरी ऑडिटर, आपके स्टैचुरी ऑडिटर ने जब आपकी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू किया, द अबव सेड एरर डिड नॉट कम इनटू द लाइट। वो मैटर आपका कि एनपीए की क्लासिफिकेशन गलत है, ये आपके स्टैचुरी ऑडिटर के सामने ये मैटर सामने नहीं आया। द स्टैचुरी ऑडिटर हैड ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अबव ब्रांच एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिव्यू प्रोसीजर। ऑडिटर ने और भी क्या किया कि जो वहां पे इंस्पेक्शन होती थी उन ब्रांचेस की, जो वहां पे कॉन्करेंट ऑडिट होती थी उन ब्रांचेस की, उनकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी उसने मंगवाई, उसको भी रिव्यू किया। हाउएवर दिस रिपोर्ट डिड नॉट पॉइंट आउट towards any irregularity in such account. इन रिपोर्ट के अंदर भी ये इरेगुलरिटी सामने नहीं आई। आगे कहते हैं क्वेश्चन, would statutory auditor of bank be liable for above lapses? अब क्या आपका ये जो statutory auditor है, आप इसको responsible held कर सकते हो for such lapses or not? पहला क्वेश्चन। दूसरा, what precautions have to be taken by him while expressing opinion considering the possibilities of such a situation. अब आपको ये बताना है कि ऑडिटर किन precautions को एक्सरसाइज करेगा जब वो अपना ऑडिट ओपिनियन देगा considering the possibilities of above situation. दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मतलब एक उसको बताना है कि जब अपना ओपिनियन बनाएगा तो उसको क्या कंसिडरेशन लेनी है, आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला वो कह रहे हैं कि क्या ये जो बैंक का स्टैचुरी ऑडिटर है उसको आप रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो उन लैप्सेस के लिए जो कभी उसके सामने नहीं आई, राइट? जो ब्रांच ऑडिटर ने नहीं बताए, जो कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट से भी उसके सामने नहीं आए। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड का है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक कंपनी का ऑडिटर है, मतलब जो एक एचओ का ऑडिटर है, और बाकी आपकी बहुत सारी ब्रांचेज है बैंक की, तो ब्रांच के ऑडिटर हैं, राइट? तो यहां पे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा वो एसए नंबर 600 एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे इसका रिस्पेक्टिव अगर आपको कंसेप्ट देखना है बुक के अंदर, ये पेज नंबर 11 के ऊपर इसका रिस्पेक्टिव कंसेप्ट है जो आप देख सकते हो, ये पेज नंबर आपका 11, एक सेकंड, हाँ, ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपका यहां पे कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। कहता है, प्रिंसिपल ऑडिटर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, द वर्क विच इज एंट्रस्टेड टू द ब्रांच ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क विच इज एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर, मतलब हमारे केस में ब्रांच ऑडिटर, एक्सेप्ट सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इन सर्कमस्टांसिस विच हैव अराउज्ड हिज सस्पिशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर। सिर्फ उसी सिचुएशन में आप प्रिंसिपल ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली वेन, जब उसके दिमाग में सस्पिशन अराइज हुई है, लेकिन यहां पर उसके दिमाग में कोई सस्पिशन अराइज नहीं हुई। आगे कहते हैं, when the principal auditor has based his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying on the statement and reports of the other auditor, कि जब आपका ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, होल मतलब क्या, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर ब्रांचेस की भी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर जब आपका ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को वो बेस्ड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स जो कहां से मिली है, उसको ब्रांच के ऑडिटर से मिली है, इन दैट ब्रांच ऑडिटर मतलब क्या, अदर ऑडिटर, एज पर एसए नंबर 600, हिज रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट दैट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी बाय इंडिकेटिंग कि किस एक्सटेंट तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज ब्रांचेज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट वर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स। मतलब अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, जहां पे रेफरेंस होगी कि ये जो पूरी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में से कितनी इंफॉर्मेशन की ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर ने नहीं करी, कंपोनेंट के ऑडिटर्स ने करी है, अदर ऑडिटर्स ने करी है, दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन। अब जितनी आपकी टोटल ब्रांचेस है 1034,
उसमें से क्या सारी की सारी 1034 जो ब्रांचेस है सबकी ऑडिट कंपोनेंट के ऑडिटर्स ने करी है, उनके रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑडिटर्स ने करी है, या उसमें से कोई ऐसी आपकी ब्रांचेस है जिसकी ऑडिट आपके कंपनी के ऑडिटर दैट मींस प्रिंसिपल ऑडिटर ने करी है। तो आप स्पेसिफाई करोगे कि जो टोटल आपके नंबर ऑफ डिविजन है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उसमें से कितनी ऐसी ब्रांचेस है जिसकी ऑडिट कंपनी के ऑडिटर ने नहीं करी, कॉम्पोनेंट ऑडिटर ने करी है, अदर ऑडिटर ने करी है, कितनी सब्सी है आपकी ऐसी, कितनी ब्रांचेस है, कितनी डिविजन है, और अदर कॉम्पोनेंट्स विच आर ऑडिटेड बाई दी अदर ऑडिटर्स। तो आप जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शो करेगा। यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। स्टैंडर्ड यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? एसए नंबर 600। एसए नंबर 600 का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप लिखोगे, मतलब एसए नंबर 600 ऑडिटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, प्रिंसिपल ऑडिटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे। कहते हैं एसए नंबर 600 स्टेट्स दैट प्रिंसिपल ऑडिटर, इसने सीधा ये लिखना शुरू किया है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। आप चाहो तो जो सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एसए नंबर 600 उसको भी लिख सकते हो, फिर आप अपना मेन कंसेप्ट लिखना शुरू करोगे। जो मैंने चैप्टर नंबर 1 की क्लास डाली उसके अंदर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको कैसे स्टैंडर्ड के आंसर को लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूं, पहले दो पॉइंट क्यों, क्योंकि जो मैं वहां पे पढ़ के आई हूं ना अभी एंटायर वही टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, सेम टेक्स्ट है कि एसए नंबर 600 कहता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा विच इज इंटरेस्टेड टू दी अदर ऑडिटर, एंड ऑडिटर जब अपनी अपना ओपिनियन बनाएगा बेस्ड अपॉन दी वर्क विच इज डन एंड परफॉर्म्ड बाय दी अदर ऑडिटर्स, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड वो अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा कि जितनी भी आपकी ब्रांचेज है उसमें से कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स की ऑडिट अदर ऑडिटर ने करी है, कितनी ब्रांचेज की ऑडिट अदर ऑडिटर ने करी है। तो यही आपको यहां पे लिखना है पहले दो पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है। कहता है इन द गिवन सिचुएशन नथिंग हैज कम टू द लाइट ऑफ द स्टैचुरी ऑडिटर, हाँ सिर्फ उसी सिचुएशन में वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए जो अदर ऑडिटर ने किया है जिसके रिलेशन में आपके प्रिंसिपल ऑडिटर को सस्पिशन अराइज हुई थी, कोई डाउट अराइज हुआ था, लेकिन यहां पे उसको कोई डाउट ही नहीं अराइज हुआ। क्यों? ना तो उसके ब्रांच ऑडिटर ने उसको इंटीमेट किया, ना उसने जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स का रिव्यू किया वहां से उसको कुछ पता लगा, ना जो कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट है उसको वहां से कुछ पता लगा, तो उसके दिमाग में डाउट आया ही नहीं, तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क विच इज डन बाय द कॉम्पोनेंट का ऑडिटर, ठीक है। तो कहता है इन द गिवन सिचुएशन नथिंग हैज कम टू द लाइट ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर विच वुड अराउज हिज सस्पिशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर दैट मीन्स योर ब्रांच ऑडिटर। तो कंक्लूजन क्या हुई कि तुम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रांच ऑडिटर, फर्दर इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिपोर्ट। ये जो आपका ओपिनियन वाला पॉइंट है ये उसकी बात कर रहा है कि जब आपका प्रिंसिपल ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो वो बताएगा दैट 103 ब्रांचेस ऑफ बैंक उसने ऑडिट नहीं करी, इसकी ऑडिट आपकी ब्रांच के ऑडिटर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं दैट सीए केशव राज इज कंडक्टिंग द स्टैचुरी ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, नाम क्या है कंपनी का, लिव विद नेचर लिमिटेड, ओके। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली नीश प्रोडक्ट फॉर न्यू बोर्न बेबीज। तो कंपनी न्यू बोर्न बेबीज के लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। देयर इज ऑल्सो अ वेल फंक्शनिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन द कंपनी। आपकी कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है जो अच्छा खासा काम कर रही है, तो इसका मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन एसए नंबर 610 का हो, अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आगे कहते हैं ऑन पर्सुअल ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सीए केशव राज स्टैचुरी ऑडिटर है और जिस कंपनी की ये ऑडिट कर रहा है उसके अंदर क्या है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, राइट। ऑन पर्सुअल ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, आपके सीए केशव राज जो कंपनी का स्टैचुरी ऑडिटर है उसने आपके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ली, ही फाइंड्स दैट, उसको क्या पता लगा, दैट नॉट ओनली द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी वाज अटेंडेड बाय द इंटरनल ऑडिटर एट द रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग वर ऑल्सो मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंटरी वैल्यूएशन एज एट ईयर एंड। उसको समझ में आया कि भाई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये जो इंटरनल ऑडिटर है आपकी कंपनी के, ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, ये रीजनेबल इंटरवल पे, सही इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर रहे हैं इन्वेंटरी की, उसके साथ साथ इनके पास वर्किंग भी है इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। मतलब कहीं ना कहीं शायद सोच रहे हैं कि मैं इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करूं। आगे कहते हैं ही हैज ऑल्सो अटेंडेड द इन्वेंटरी काउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड नो प्राइमा फेसी एडवर्स इन्फ्रेंसिस वर ड्रोन बाय हिम। उसने भी आपकी जो इन्वेंटरी की काउंटिंग है उसको अटेंड किया था,
ईयर एंड पे और उसको कोई वहां से ऑब्जर्वेशन नहीं मिली। आगे कहते हैं हाउएवर ऑन गोइंग थ्रू द इन्वेंटरी रिपोर्ट, लेकिन जब आपका ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर इन्वेंटरी की रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था, ही गैदर्स दैट इन्वेंटरीज आर बीइंग हेल्ड फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड बिफोर सोल्ड। कहते हैं कि इन्वेंटरी को आपकी कंपनी बेचती है ना, सेल्स में वो कन्वर्ट होती है, इससे पहले काफी लंबे टाइम तक आपकी ये इन्वेंटरी कंपनी के पास पड़ी रहती है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्वेंटरी ऑब्सोलेट हो चुकी है और जो वैल्यूएशन आप दिखा रहे हो इन्वेंटरी को लेकर वो वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्सोलेट इन्वेंटरी है तो फिर इन्वेंटरी के रिलेशन में फिर आपको उस ऑब्सोलेंस को कंसिडर करना चाहिए, वैल्यू कम दिखानी चाहिए। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हैव नॉट टेकन दिस एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन। ऊपर बोला ना वर्किंग है कि इंटरनल ऑडिटर, अब इंटरनल ऑडिटर वैल्यूएशन कर रहे हैं इन्वेंटरी की, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इस फैक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि आपकी एंटिटी जब इन्वेंटरी को सेल्स में कन्वर्ट करती है, वो सेल्स बनने से पहले काफी लंबे टाइम तक वो इन्वेंटरी में पड़ी रहती है, तो हो सकता है कि वो ऑब्सोलेट हो चुकी है और उसकी वैल्यू सही नहीं है। Should he choose to rely upon the inventory valuation work which is performed by the internal auditor? इसने क्वेश्चन वही पूछ लिया कि क्या स्टैचुरी ऑडिटर को ये जो वैल्यूएशन का काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? नहीं, उसको पता लग रहा है ना कि क्या प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि इंस्टीट्यूट ने किस वे से इसका आंसर लिखा है। देखो पेज नंबर 14 पे आपको जाना है, मैं आपको पेज नंबर 14 पे लेके जा रही हूँ सबसे पहले कि कौन से कंसेप्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये रहा, कि जहां पे आपको रिस्क ज्यादा दिखाई देता है उन एरिया के अंदर ऑडिटर को आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये आपको मिलेगा कि आपका टॉपिक है 6.2। पहले मैं आंसर पढ़ देती हूं आपके लिए कि क्या यहां पे आंसर लिखा हुआ है, ऑल्दो एक ही यहां पे एक कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, वो है रिस्क वाला, क्योंकि उसको रिस्क दिखाई दे रहा है ना कि हो सकता है कि आपके इंटरनल ऑडिटर ने वैल्यूएशन सही नहीं करी है इन्वेंटरी की, तो उस एरिया में आप काम को यूज नहीं कर सकते। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस क्लास ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर हायर द हायर एन एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असम्प्शन लेवल मोर जजमेंट इज ऑफ्टन इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट थेरऑफ। किन किन एरिया में आपका ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज नहीं कर सकता, जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व्ड है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस व्हिच आर बीइंग गैदर्ड, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिट ऑडिट फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, जो आपके एंटिटी की पॉलिसीज प्रोसीजर हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन कॉम्पिटेंट नहीं है, इन एरियाज में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज नहीं कर सकता, ऐसा ऐसे नंबर 610 कहते हैं जो हमने सीखा था। अब यहां पे उसने जो पहली लाइन लिखी है वो कहता है, देखो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर, किसी डिस्क्लोजर के अंदर, किसी अकाउंट बैलेंस के अंदर अगर ऑडिटर को लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ वहां पे वो काम ज्यादा करेगा या काम कम करेगा? काम वो ज्यादा करेगा, यही उसने आगे लिखा हुआ है कि ऑडिटर की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगी ये डिटरमाइन करने में कि उसको कितना काम करना है, राइट, एंड अपने एविडेंसेस को इवेल्युएट करने में। तो यही बात तो लिखी हुई उसने कि मोर जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो काम यूज नहीं कर सकता, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे वो काम को यूज नहीं कर सकता। इन सच सर्कमस्टांसिस एक्सटर्नल ऑडिटर विल नीड टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर डायरेक्टली। मतलब तुम इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज नहीं कर सकते तो तुम एक्सटर्नल ऑडिटर अपने काम को डायरेक्टली खुद करेगा, एंड अकॉर्डिंगली वो जो यूज करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम का वो लेस होगा, ही विल मेक लेस यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। फर्दर एज एक्सप्लेन्ड अंडर एसए नंबर 200, ये फिर से वही बोलेगा क्या कि ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करे कि ऑडिट रिस्क एक लो लेवल पे आ सके। कहता है फर्दर एज एक्सप्लेन इन एसे नंबर 200, हायर द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर विल नीड टू बी एंड देयरफॉर एक्सटर्नल ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। क्या कहना चाह रहे हैं हम, एसे नंबर 200 की ये जो बात है ये ऑडिट रिस्क वाली ही बात है,
मतलब क्या कि अल्टीमेटली ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है. रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है तो मतलब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे. मैं किन एविडेंसेस को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कहूंगी? ऐसे एविडेंसेस जो मेरे ऑडिट रिस्क को एक लो लेवल पे लेकर आ सके. यहां पे कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगा उतना ही ज्यादा चेकिंग ऑडिटर को करनी पड़ेगी, उतने ही ज्यादा पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब ही उसका ऑडिट रिस्क एक लो लेवल पे आएगा. तो इस वजह से ऑडिटर काम को खुद करेगा, डायरेक्टली वो परफॉर्म करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर और एविडेंसेस कलेक्ट करेगा. इन द गिवन सिचुएशन क्या हो रहा है? इन्वेंटरीज आर बीइंग हेल्ड फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग सोल्ड. कंपनी अपनी इन्वेंटरी को बेचती है, उसको सेल में कन्वर्ट करने से पहले वो इन्वेंटरी कंपनी के पास काफी लंबे टाइम तक रहती है. एज कंपनी इज डीलिंग इन नीश प्रोडक्ट फॉर न्यू बॉर्न बेबीज, और क्योंकि कंपनी नई बॉर्न बेबीज के एक नीश मार्केट में काम कर रही है, ऑब्सोलेंस के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे. तो कहते हैं देयर इज रिस्क ऑफ इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस ड्यू टू द चेंजेस इन द कस्टमर प्रेफरेंसेस. इट कैरीज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड रिक्वायर्स मोर जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर. जहां पे आपकी जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, जहां पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, राइट, तो वहां पे आप उसके काम को यूज नहीं कर सकते. इन सच अ सर्कमस्टांसिस स्टैचुरी ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म द प्रोसीजर डायरेक्टली लाइक कंपेयरिंग द, इसने बताया भी है कि आपका ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, लाइक कंपेयरिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विद द कॉस्ट. आप क्या कर सकते हो? एनआरवी का कंपैरिजन कर सकते हो विद द कॉस्ट टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोविजन. ये देखने के लिए कि आपकी मैनेजमेंट को इस टाइप की इन्वेंटरी की ऑब्सोलेंस को लेकर जितनी आपकी प्रोविजन बनानी चाहिए थी उतनी प्रोविजन बनाई या नहीं. आप रिकम्प्यूट कर सकते हो प्रोविजंस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोविजंस फॉर द ऑब्सोलेट स्टॉक. सो दीज आर सम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर. सो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करने का सोच रहा है तो ये उसका अप्रोच प्रॉपर नहीं है. ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्टली यहां पे परफॉर्म करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है यहां पे, ठीक है. और वहां पे जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है. जहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है वो हमने देखा भी, वहां पे आपका एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर एसए नंबर 610 इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज नहीं कर सकता, ठीक है. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सीए अंबोज इज अ प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ टेक्सटाइल लिमिटेड. सीए अंबोज एक प्रैक्टिसाइजिंग सीए है और उसको अपॉइंट किया है टेक्सटाइल लिमिटेड ने अपना इंटरनल ऑडिटर. इसका मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे नंबर 610 का क्वेश्चन हो. क्वेश्चन आगे कहते हैं ही कंडक्टेड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी एट ईयर एंड एंड हैंडेड ओवर द रिपोर्ट ऑफ सच वेरिफिकेशन टू सीए किशोर. तो आपके इस सीए अंबोज ने जो इंटरनल ऑडिटर है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट खत्म करी और जो सीए किशोर है जो कि कंपनी का स्टैचुरी ऑडिटर है उसको इसने अपनी रिपोर्ट दे दी. फॉर हिज व्यू एंड रिपोर्टिंग कैन सीए किशोर रिलाय ऑन सच अ रिपोर्ट. देखो क्या आप इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम के ऊपर रिलाई करोगे, उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, ठीक है. तीन एस्पेक्ट हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, दूसरा उसकी कॉम्पिटेंस और तीसरा कि क्या आपके इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपने काम को करने के लिए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है. तो ये आपके ऐसे नंबर 610 की रिक्वायरमेंट होती है. आप इसको जाकर पेज नंबर 13 पे ढूंढ सकते हो. मैं वहां पे नहीं लेके जा रही हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां से पढ़ा रही हूं. तो कहते हैं एज पर ऐसे नंबर 610 स्टैंडर्ड का नंबर फिर स्टैंडर्ड का नाम दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर व्हाइल डिटरमाइनिंग स्टेप नंबर 1 सिचुएशन नंबर 1. जब ऑडिटर ये डिसाइड करेगा, ये स्टेप नंबर 1 सिचुएशन नंबर 1 उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरी क्लासेस लिए उनको रेफरेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो वह कहते हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग, जब ऑडिटर सबसे पहले क्या डिसाइड करता है कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना चाहिए या काम को यूज नहीं करना चाहिए. सो व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट और नॉट, एक्सटर्नल ऑडिटर तीन चीजों को इवेल्युएट करेगा. सबसे पहले क्या, एक्सटेंट टू विच, किस हद तक इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, वो इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है. मतलब कितनी ऑब्जेक्टिविटी है आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन की. कहता है द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर.
दूसरा कॉम्पिटेंस, वो नॉलेजेबल होना चाहिए तभी आप उसके काम को यूज करोगे, द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तीसरा ऑडिटर ये भी इवेल्युएट करेगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है, वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाइज अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल। अगर वो इन तीन चीजों को सेटिस्फाई है, इन तीन चीजों को लेकर सेटिस्फाई है, तो ही वो सोच सकता है कि मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करूंगा। फर्दर एक्सटर्नल ऑडिटर कब यूज नहीं करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को, जब वो ये डिटरमाइन करता है कि इन तीनों में से अगर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो काम को यूज नहीं करेगा। क्या कि अगर उसको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टेटस है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं मैनेजमेंट की, वो आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती, जहां पे आपके एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिटर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो नहीं किया है, वहां पे वो उसके काम को यूज नहीं करेगा। तो यहां पे इन तीन पॉइंट्स को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में लिख दोगे तो ये बन जाएगा कि किस सिनेरियो में काम को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसने आगे बताया कि इस गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस गिवन केस। कहता है इन द इंस्टेंट केस, इस गिवन केस में सीए किशोर शुड असर्टेन द इंटरनल ऑडिटर्स स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन। उसको पहले समझना चाहिए कि जो रिपोर्ट आपके इंटरनल ऑडिटर ने एक्सटर्नल ऑडिटर को सबमिट करी है, उसको समझो कि भाई इंटरनल ऑडिटर के काम का स्कोप क्या था, उसने किस एरिया की कवरेज करी और किन मेथड्स को उसने यूज किया है फॉर वेरिफिकेशन। राइट, उसको रिव्यू करना पड़ेगा रिपोर्ट ऑन द फिजिकल वेरिफिकेशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दीज फैक्टर्स। किस एरिया में चेकिंग करा था आपका ऑडिटर, उसने रिपोर्ट सबमिट करी है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। तो इस एरिया में अगर तुम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाह रहे हो, तो पहले तुम समझो कि आपके इस इंटरनल ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए किस मेथड को यूज किया, उसकी कवरेज क्या है, उसके स्कोप क्या था वेरिफिकेशन का। ऑडिटर रिव्यू करेगा रिपोर्ट को फिजिकल वेरिफिकेशन की आपकी इस इंटरनल ऑडिटर की, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज फैक्टर्स, मतलब जब ये रिपोर्ट वो इवेल्युएट कर रहा होगा इंटरनल ऑडिटर की, तो इन सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगा। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो वो सैम्पलिंग के बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे कुछ आइटम को वो खुद से भी चेक कर सकता है, या वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है, वो ऑब्जर्व कर सकता है जब आपका इंटरनल ऑडिटर इन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा होगा, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि हाँ कि इंटरनल ऑडिटर जब भी इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन करते हैं तो वो काम को सही तरीके से करते हैं। If the statutory auditor is satisfied about the appropriateness of the verification, verification word यहाँ पे क्यों use हो रहा है, इसने specific कर दिया है अभी काम को। आप अगर standard में जाके देखोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे work of the internal audit function, that if the statutory auditor is satisfied about the work of internal audit function, यहाँ पे काम क्या किया हुआ है इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने, इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन। तो therefore इसने वर्ड यूज किया है that if the statutory auditor is satisfied, अगर इफ द स्टैचुरी ऑडिटर इज सेटिस्फाइड अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वेरिफिकेशन, ही कैन रिलाई ऑन द रिपोर्ट। बट अगर उसको लगता है कि जिस वे से आपके इस इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है, इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन करी है, वो प्रॉपर नहीं है, उसने सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो नहीं किया, ही हैज टू डिसाइड अदरवाइज। अदरवाइज मतलब ही विल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी ओपिनियन को लेकर, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी। Final responsibility to express an opinion on the financial statement remains with the statutory auditor, even if he is using the work of internal audit function. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इसका एक सिंपल सा रीजन है, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे एसए नंबर 620 का ये क्वेश्चन है, ये वहाँ पे कंसेप्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि किस किस एरिया में ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये वहाँ पे कंसेप्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है दैट वाइल डूइंग ऑडिट राम द ऑडिटर रिक्वायर्स रिपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर अपनी ऑडिट कर रहा था जिसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम को ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट की नीड है। राइट, अब आपको क्या बताना है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और ओपिनियंस ही कैन ऑब्टेन। पहला क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन, रिपोर्ट, वैल्यूएशन ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट से ऑब्टेन कर सकता है। तो यहां पे नीचे तुम देखोगे ना एक लिस्ट दी हुई है,
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स है, ओपिनियन वैल्यूएशन है जो ऑडिटर एक्सपर्ट ऑडिटर को देगा और ऑडिटर इन रिपोर्ट्स को, इन वैल्यूएशन को, इन ओपिनियन को यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस, राइट। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंड ये जो मिस्टर राम है इन रिपोर्ट्स के ऊपर, इन ओपिनियन के ऊपर किस एक्सटेंट तक रिलाय कर सकता है, राइट। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पूछे हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने क्या बताया, सबसे पहले उसने लिखा स्टैंडर्ड का नंबर, दैट इज एसए नंबर 620, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करेगा। नाम क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो ये कहते हैं दैट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को ठीक लगता है तो ही मे ऑब्टेन इन कंजंक्शन विद द क्लाइंट, या तो वो क्लाइंट के थ्रू ले सकता है या इंडिपेंडेंटली वो अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ओपिनियन, वैल्यूएशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। फिर इसने नीचे तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि किस किस एरिया में ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, मतलब व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट, ओपिनियंस, स्टेटमेंट, वैल्यूएशंस व्हिच मे बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर एक्सपर्ट टू द ऑडिटर, एंड ऑडिटर विल यूज दिस ओपिनियंस फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप के ओपिनियन रिपोर्ट्स आपका ऑडिटर एक्सपर्ट ऑडिटर को दे सकता है। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करी है, क्या ऑडिटर कैन गिव अ रिपोर्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ, ऑडिटर एक्सपर्ट कैन गिव द रिपोर्ट ऑन द वैल्यूएशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपकी मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। लैंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। ऐसे ज्वेलरी होगी, आर्ट, एंटीक्स, इंटेंजिबल एसेट, ईटीसी। तो वैल्यूएशन के रिलेशन में ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, राइट। आगे कहता है एक्चुअल कैलकुलेशंस ऑफ लाइबिलिटीज विच आर एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लॉइज बेनिफिट प्लान्स, राइट। तो आपकी जो एंटिटी है, क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली होगी तो उसके रिलेशन में उनकी लाइबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए, या जो इंप्लॉइज बेनिफिट प्लान की लाइबिलिटी है आपकी एंटिटी की, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी ऑडिटर किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, और यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट आपका एक्चुअली होगा, ठीक है। आगे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, कि वो ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, उन गैस रिजर्व के अंदर कितनी गैस है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में भी ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर ऑयल और गैस आपकी इन्वेंट्री है तो यहाँ पे आप केमिकल इंजीनियर वगैरह की हेल्प ले सकते हो। फिर वैल्यूएशंस ऑफ एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज एंड साइट क्लीनअप कॉस्ट, इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज कितनी आएगी आपके क्लाइंट की, साइट को क्लीन करने की कॉस्ट क्या पड़ेगी, इसके रिलेशन में आप लीगल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि आपका जो फोर्टे होता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फोर्टे अकाउंट्स में होता है, ऑडिट के अंदर होता है। लॉज के बारे में अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आप किसी एडवोकेट की वहाँ पे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंसेस इशू, तो यहाँ पे आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टैक्स कंप्लायंस इशू या टैक्स से रिलेटेड मैटर के लिए, राइट। तो ये सारे के सारे जो ऊपर एरियाज लिखे हुए हैं, ये बेसिकली कहता है कि ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प किन एरिया में ले सकता है, मतलब इसको दूसरी इंटरप्रिटेशन आप कैसे लोगे, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट, ओपिनियन, वैल्यूएशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑडिटर, और जिनको वो आपका ऑडिटर यूज करेगा फॉर हिज ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा ये था कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आपके ऑडिटर को इस ऑडिटर एक्सपर्ट के दी हुई ओपिनियन रिपोर्ट के ऊपर रिलाय प्लेस करना चाहिए, भरोसा उसको प्लेस करना चाहिए। तो अब ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले वो इवेल्युएट करता है ऑडिटर एक्सपर्ट के काम की एडुकेसी को, कि वो काम सही है उसकी ऑडिट के लिए या नहीं है, वो काम एडुकेट है या नहीं है। तो कहते हैं व्हेन द ऑडिटर इंटेंड्स टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ही शैल इवेल्युएट द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इंक्लूडिंग रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसकी जो फाइंडिंग्स है, क्या वो फाइंडिंग्स रीजनेबल है या नहीं, रेलिवेंट है या नहीं, उसको भी ऑडिटर कंसिडर करेगा, एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंसेस, और जो ऑडिटर ने अदर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे उनके साथ ऑडिटर एक्सपर्ट के ये एविडेंसेस कंसिस्टेंट है या नहीं, तब वो उसके काम को यूज करेगा। ये हमने एसए नंबर 620 के अंदर ही कवर किया था।
आगे कहते हैं, इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड, अगर ऑडिटर जिस ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहा है, ऑडिटर एक्सपर्ट ने अपने काम को करने के लिए अजम्पशंस ली हुई हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है उन अजम्पशंस की, उन मेथड्स की रेलिवेंस को, रीजनेबलनेस को. तो कहता है द रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोज अजम्पशंस एंड मेथड्स जिनको ऑडिटर एक्सपर्ट ने यूज किया है, दोज नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. एंड अगर एक्सपर्ट अपने काम को करने के लिए किसी सोर्स डाटा का यूज कर रहा है, कहता है इफ द एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सोर्स डाटा फॉर हिज वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑडिटर उस सोर्स डाटा की भी रेलिवेंस को इवेल्युएट करेगा. रेलिवेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डाटा ऑल्सो नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. ये इवेल्युएशन करने के बाद ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट के किए हुए काम के ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकता है. मतलब वो पहले इवेल्युएट करेगा कि क्या इस ऑडिटर एक्सपर्ट का काम मेरी ऑडिट के लिए सही है, राइट. अगर उस ऑडिटर एक्सपर्ट ने अपने काम को करने के लिए कोई अजम्पशंस लिए कि नहीं, मेथड्स को यूज किया है, तो उसकी भी रेलिवेंस, रीजनेबलनेस को ऑडिटर चेक करेगा. अगर किसी सोर्स डाटा को यूज किया तो उस सोर्स डाटा की कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस को भी ऑडिटर चेक करेगा. देयर आफ्टर वो उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकता है, राइट. अब आते हैं आपके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन. और सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है, ये आपके एसे नंबर 540 का कवर है, 540 का ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, व्हाइल ऑडिटिंग जेड लिमिटेड, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा था जेड लिमिटेड की, यू ऑब्जर्व सर्टेन मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शंस हैव बीन बेस्ड ऑन एस्टिमेट. तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट ने जो अजर्शंस लिए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि प्रोविजंस वगैरह होगी मेड बाय द मैनेजमेंट एज एन ऑडिटर. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और आपकी बुक के आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर 24 के ऊपर. कहता है एज एन ऑडिटर हाउ डू यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. सीधा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को लेकर ऑडिटर को किन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ता है, ये आपको यहां पे लिखना है. मतलब बींग एन ऑडिटर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है उन सारे के सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आपकी मैनेजमेंट ने लिया है इन दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जो अराइज होता है मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को लेने की वजह से. आपको पता है मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसए नंबर 540 कि ऑडिटर को आपकी मैनेजमेंट के इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की इवेल्युएशन करनी पड़ती है. इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से रिस्क क्या आ रहा है उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ती है. आपको यही बताना है कि ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करेगा एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू रिस्क जो अराइज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ दीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ये क्वेश्चन है, ठीक है. ये पेज नंबर 24 पे आपका रिस्क असेसमेंट वाला टॉपिक मिलेगा, वहां पे ये मिल जाएगा. ये एसे नंबर 540 का क्वेश्चन है, ठीक है. मैं यहां से पढ़ रही हूं डायरेक्टली. कहता है एज पर एसे नंबर 540 स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, 540 यहां पे उसका नाम लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर. रिलेटेड डिस्क्लोजर मतलब जो उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और उनके फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आपके मैनेजमेंट को देने पड़ते हैं, उसके ऊपर आपका ये ऐसे है. कहता है स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग मतलब क्या, ऑडिटर को इन सारे के सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी. क्यों, ताकि ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सके, एसेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना अराइज हो रहा है, क्या क्या रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. रेलिवेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टिमेट्स को लेकर क्या कहते हैं, उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर को लेकर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है. जो भी AS Ind AS आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है
वो AS इंडियस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर क्या बोलते हैं कि आपको कैसे अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनानी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट को अपनी प्रोविजनिंग करनी चाहिए, कैसे उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देना चाहिए। तो ऑडिटर जब रिस्क की असेसमेंट करेगा ड्यू टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को समझेगा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि आपकी मैनेजमेंट उन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करती है जिन इवेंट्स, जिन ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइज होते हैं। तो कहते हैं हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजेक्शन, दोज इवेंट्स, दोज कंडीशंस विच मे गिव राइज टू द नीड्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ साथ ऑडिटर ये भी इवेल्युएट करेगा, मैनेजमेंट से वो इंक्वायरी करेगा कि क्या कोई चेंजेस हुए हैं सर्कमस्टांसिस के अंदर जिसकी वजह से एक नीड अराइज हो गई है टू मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो कहते हैं इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शैल मेक द इंक्वायरीज to the management about the changes in the circumstances that may give rise to the new or need to revise the existing accounting estimates. Auditor understanding obtain karega ki aapki management ki estimation making process kya hai aur estimation process मेकिंग एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को जब ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा आपकी मैनेजमेंट किन मेथड्स को यूज करके अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिटरमाइन करती है, किन मॉडल्स को यूज करके अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिटरमाइन करती है, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या हैं सराउंडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए किसी एक्सपर्ट का यूज करती है, मैनेजमेंट जब अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाती है उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाने के लिए किन अजम्पशंस का यूज करती है। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ले रहे हो मतलब आप कह रहे हो कि इस साल मुझे लगता है कि मेरे जितने डेटर्स हैं उसमें से 20% डेटर बैड डेट हो जाएंगे, यही आपका एस्टिमेट है ना कि 20% मेरे डेटर बैड डेट हो जाएंगे, तो आपने इस अजम्पशन को कैसे लिया, आपने इस एस्टिमेट को किसी ना किसी अजम्पशन के बेसिस पे लिया होगा, तो ऑडिटर उन अजम्पशन को भी समझेगा। इसके साथ साथ ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा वेदर देयर हैज बीन और ऑट टू हैव बीन चेंज फ्रॉम द प्रायर पीरियड मेथड्स ऑफ टेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि मैनेजमेंट जिन मेथड्स को यूज करते थे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती थी, क्या इस साल उन मेथड्स के अंदर कोई चेंज आया है, अगर आया है इफ सो तो ऑडिटर पूछेगा व्हाई एंड वेदर क्या इस चेंज की वजह से मैनेजमेंट ने एसेस करा है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये आपका यहां पर आंसर बनेगा। ठीक है, अब आज चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट KRP लिमिटेड एट इट्स AGM अपॉइंटेड मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी एज जॉइंट ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो KRP लिमिटेड ने AGM में 3 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करी है अपने ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी स्कीम ऑफ द कंपनी। क्या कह रहे हैं कि ग्रेच्युटी स्कीम है जो कंपनी की उसकी वैल्यूएशन के लिए मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड वांटेड टू रेफर देयर ओन नॉन एक्चुअल। तो ये तीनों लोग अपने एक्चुअल के पास जाना चाहते हैं। अभी आपने ऊपर देखा क्या, यहां पे देखो कि आप हेल्प ले सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट की फॉर द एक्चुअल वैल्यूएशन, राइट। तो ये तीनों के तीनों ऑडिटर अपने रिस्पेक्टिव एक्चुअली की हेल्प लेना चाहते हैं, मतलब ये ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं। क्वेश्चन आगे कहते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल द जॉइंट ऑडिटर कंसल्टेड देयर रिस्पेक्टिव एक्चुअलीज, क्योंकि आपस में इनका जो ओपिनियन था वो मैच नहीं हो रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने अपने एक्चुअली के पास गए। सब्सिक्वेंटली मेजर डिफरेंस वॉज फाउंड इन द एक्चुअल रिपोर्ट। बाद में क्या हुआ कि जो इनके एक्चुअलीज ने एक्चुअल रिपोर्ट दी उसके अंदर भी डिफरेंसेस थे। हाउएवर मिस्टर एक्स अग्रीड टू मिस्टर वाईज एक्चुअल रिपोर्ट, मतलब अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपके एक एक्चुअल की रिपोर्ट पे अग्री कर रहे हैं, दो जो मिस्टर जी है जो तीसरा ऑडिटर है वो अग्री नहीं कर रहा है। मिस्टर एक्स कहता है किसको दैट मिस्टर वाईज एक्चुअल रिपोर्ट शैल बी कंसिडर इन ऑडिट रिपोर्ट ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ वोट। मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी मिस्टर वाई के एक्चुअली ने रिपोर्ट दी है ना हम उसी को कंसिडर करें क्योंकि एक्स और वाई की मेजोरिटी है। मिस्टर जेड अब डायलिमा में है, वो सोच रहा है कि क्या करूँ अब मैं। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस रिपोर्ट इज मेड बाई मिस्टर वाइज एक्चुअली लेटर ओन फाउंड टू बी फॉल्टी। आपको बताना है कि अगर बाद में जाकर जो मिस्टर वाई के एक्चुअली ने रिपोर्ट बनाई है अगर वो फॉल्टी निकल गई, वो गलत निकल गई, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी।
ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ भी कर रहा है तो भी उसके काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर जो हमने एसए नंबर 299 में जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का आंसर कहता है, आप इसको पेज नंबर 17 और पेज नंबर 20 पे इसको ट्रेस कर पाओगे। राइट, मैं इस वजह से रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वहाँ पे आपको डायरेक्ट कंसेप्ट मिल जाएंगे, मैं वहाँ से पढ़ाऊँ यहाँ से पढ़ाऊँ एक ही मतलब है। ओके, सबसे पहले एज पर एसए नंबर 620 ये स्टैंडर्ड का नंबर है, नाम क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, द एक्सपर्टीज ऑफ एन एक्सपर्ट मे बी रिक्वायर्ड इन द एक्चुअल कैलकुलेशंस ऑफ लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयज बेनिफिट प्लान ETC। ये हमने ऊपर देखा भी कि आप हेल्प ले सकते हो एक्चुअली की, जो कौन होगा, ऑडिटर एक्सपर्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। राइट, हाउएवर ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मैंने आपको बोला ना, आप किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती अपने ओपिनियन को लेकर, ये हमने एसए नंबर 620 के अंदर देखा था। हाउएवर द ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन विच इज एक्सप्रेस्ड एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑडिटर की विल नॉट गेट रिड्यूस्ड, ये कम नहीं हो जाती जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। राइट, लेकिन हमने ये भी देखा था एसए नंबर 620 के अंदर ही कि ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले स्टैचुरी ऑडिटर, और ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा भी जब हमने एसए नंबर 620 का क्वेश्चन कवर किया कि ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले उसके काम की एडुकेसी को इवेल्युएट करता है। तो कहते हैं द ऑडिटर शैल इवेल्युएट द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिटर्स पर्पस इंक्लूडिंग ऑडिटर की जो फाइंडिंग्स है, जो उसकी कंक्लूजन्स है, उनकी रेलिवेंस को, उनकी रीजनेबलनेस को वो चेक करता है, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिट एविडेंसेस, इसको भी ऑडिटर इवेल्युएट करता है। ये हमने ऊपर अभी देखा है एसए नंबर 620 के क्वेश्चन के अंदर। फर्दर एज पर एसए नंबर 620 इफ द एक्सपर्ट वर्क, अगर ऑडिटर, ये भी हमने ऊपर देखा अभी कि अगर ऑडिटर एक्सपर्ट ने अपने काम को करने के लिए अजम्पशंस ली है तो ऑडिटर को उन अजम्पशंस की रेलिवेंस को चेक करना पड़ता है। तो कहता है इफ द ऑडिटर वर्क्स, ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस मेथड, देन ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा उन अजम्पशंस की, उन मेथड्स की रेलिवेंस को, रीजनेबलनेस को, दोज नीड्स टू बी इंश्योर्ड बाय द ऑडिटर, एंड अगर ऑडिटर ने अपने काम को करने के लिए सोर्स डाटा का यूज किया है तो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है उस सोर्स डाटा की रेलिवेंस को, कंप्लीटनेस को, एक्यूरेसी को। ठीक है, तो ये ऊपर हमने पढ़ा था एसए नंबर 620 का जो क्वेश्चन था। अब गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, कहते हैं इन द इंस्टेंट केस, इस गिवन सिनेरियो के अंदर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड तीन जॉइंट ऑडिटर हैं जिनको अपॉइंट किया है केआरपी लिमिटेड ने, एंड इन तीनों ने अपने अपने एक्चुअरी को रेफर किया है फॉर द वैल्यूएशन। एक्चुअरी आर एन ऑडिटर एक्सपर्ट, ये मैंने बताया आपको, एक्चुअली कौन होगा, ऑडिटर एक्सपर्ट होगा एज पर एसए नंबर 620। मिस्टर वाई रेफर्ड एक्चुअली हैज प्रोवाइडेड द ग्रेचुटी वैल्यूएशन रिपोर्ट विच लेटर ऑन फाउंड फॉल्टी। अब वो कहता है कि मिस्टर वाई के जो एक्चुअली था उस रिपोर्ट को आप रेफर कर रहे हो, बाद में जाके क्या पता लगा कि एक्चुअली ने जो रिपोर्ट दी है वो फॉल्टी है। फर्दर मिस्टर जी ने अग्री नहीं किया था इस रिपोर्ट को लेकर, देयरफॉर उसने अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी है अपने एक्चुअली की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। इन सच अ सिचुएशन ड्यूटी किसकी थी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी की, बिफोर यूजिंग द ग्रेचुटी वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द एक्चुअली टू इंश्योर कि जो भी आपका ये एक्चुअली काम कर रहा है उसके काम की, जो भी इस एक्चुअली ने अपने काम को करने के लिए अजम्पशंस ली हैं, मेथड यूज किए हैं, उनकी रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस को असर्टेन करने की। दे वर ऑल्सो रिक्वायर टू एग्जामिन द रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डाटा विच इज यूज बाय द रिपोर्ट बिफोर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। फिर से वही बात लिखी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑडिटर की बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को तुम रिस्पॉन्सिबल बोलोगे ग्रोस नेग्लिजेंस का, और यहां पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम यहां पे शेड्यूल की भी रेफरेंस दे सकते हो। राइट, जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का शेड्यूल है, क्यों मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को तुम रिस्पॉन्सिबल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मिस्टर जेड ने तो अलग रिपोर्ट दी है, और एसए नंबर 299 की भी रेफरेंस दोगे यहां पे। तो कहता है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोस नेग्लिजेंस एंड यूजिंग सच फॉल्टी रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनिंग द एडुकेसी ऑफ एक्सपर्ट एक्चुअली वर्क, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली के वर्क की रेलिवेंस को, रीजनेबलनेस को इवेल्युएट नहीं किया और उसने काम को यूज कर लिया। वेयर एज मिस्टर जेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि उसने सेपरेट ओपिनियन दिया है, और तुम यहाँ पे डेफिनेटली एसए नंबर 299 वाली जो डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रेफरेंस है वो भी दे सकते हो। मतलब जब आपका कोई ऑडिटर है जो मेजोरिटी ऑफ ऑडिटर की ओपिनियन से अग्री नहीं करता और वो एक डिफरेंट रिपोर्ट को इशू करना चाहता है तो वो इशू कर सकता है।
फिर वहां पे ये जो ऑडिटर डिफरेंट रिपोर्ट इशू कर रहा है वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ग्रेट एयरवेज लिमिटेड। आपकी कंपनी को अपॉइंट किया है ऑडिटर किसने, ग्रेट एयरवेज लिमिटेड ने, एज द ऑडिट पार्टनर। What factor shall be considered in development of overall audit plan? Page number 3 पे जाओगे, पूरी लिस्ट है यही वाली जो वहां पे लिखी हुई है। आपको ये बताना है कि जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्लान बनाएगा एज पर एसए नंबर 300, उसको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। इसको मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। इतनी लंबी लिस्ट है, कोई भी इसमें से 6 से लेकर 7 पॉइंट तुम याद कर सकते हो, ठीक है। प्लान बनाने से पहले आप क्लाइंट को समझोगे, उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझोगे, क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करना है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, स्कोप, ये सब कुछ, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं इस वजह से डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स अपने आप में बहुत सिंपल हैं। ये क्वेश्चन को तुम एनोमली मार्क करो, राइट। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कहते हैं एज एन ऑडिटर ऑफ अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स, इसको काट के लिखो ईयर्स, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट न्यू वेंचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग हैज बीन एडेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर। आप ऑडिटर हो किसके, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, पिछले 5 सालों से, और आपने क्या देखा कि आपकी कंपनी ने नया वेंचर स्टार्ट किया है ऑनलाइन शॉपिंग का, मतलब अब आप ऑनलाइन भी कपड़ों को बेचोगे। अब आपको क्या बताना है, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर इन फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिट स्ट्रेटजी ऑफ सच अ कंपनी। मैंने इसको एनोमली क्यों मार्क करवाया, क्योंकि ये कह रहा है कि आप जब ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओगे इस टाइप की कंपनी की जो ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वॉल्व है, तो आप किन फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करोगे बींग एन ऑडिटर, राइट। तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी एज पर एसए नंबर 300, जो फैक्टर्स वहां पे लिखे हुए हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, वो फैक्टर्स आप यहां पे मेंशन करोगे। फिर आपको स्पेसिफिकली ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेशन में किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ऑडिटर को व्हाइल मेकिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, आप उनको लिखोगे। ये आगे पीछे करने की वजह से टाइम वेस्ट होता है, इस वजह से मैं रेफर नहीं कर रही। These are the considerations that needs to be taken while establishing the overall audit strategy. That is, characteristics of the engagement, reporting objectives आपके क्या हैं, significant factors, preliminary engagement activities, right? So, nature, timing and extent of the resources, ये आपको consider करना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। Obviously, वहाँ पे पूरा आपका topic है, आप पूरे टॉपिक को मेंशन नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत आपको वहाँ पे हेडिंग्स मेंशन करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई है। बट आर द फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय योर ऑडिटर व्हाइल डेवलपिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, राइट। लेकिन इंस्टीट्यूट अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आइडेंटिफाइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, कि ऑडिटर जब अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस टाइप की आपकी एंगेजमेंट है। सो जब वो आइडेंटिफाई करेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को, तो ऑडिटर किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उनके जो मेन हेडिंग्स है उनके अंदर के पॉइंट्स को भी लर्न करना है, क्योंकि यहां पे उसने सिर्फ पूछा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जब ऑडिटर बना रहा है तब किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो देयरफॉर आप सिर्फ हेडिंग्स यहां पे लिख सकते हो। मैं पढ़ देती हूं आपके लिए क्वेश्चन का आंसर है क्या, ठीक है। जो हमारा मेन फोकस होगा डिस्कशन का, वो होगा स्पेसिफिक फैक्टर्स जिनको ऑडिटर कंसीडर करेगा इन केस व्हाइल ही इज मेकिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। इस वजह से मैंने बोला कि आप इसको एनोमली मार्क कर सकते हो, ऑल्दो ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके ये जो हमने आईटी रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आईटी की रेफरेंस यहाँ पे आएगी, राइट। सबसे पहले क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है दैट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी फॉलोइंग फैक्टर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर। ये जनरल फैक्टर्स है जिनको ऑडिटर कंसिडर करेगा एज पर एसए नंबर 300। कौन कौन से, ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंगेजमेंट, क्योंकि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने का, उसका ऑब्जेक्टिव होता है 3 चीज़ों को सेट करना, दैट इज स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। तो ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी जब बना रहा है तो वो आइडेंटिफाई करे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट को, जो उसके स्कोप को डिफाइन करेगी। फिर कहता है ऑडिटर असर्टेन करेगा अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट के, ताकि वो प्लान कर सके टी को, मतलब टाइमिंग को, ऑफ द ऑडिट एंड
किस टाइप की कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है इसको वो असर्टेन कर सके। फिर कहता है ऑडिटर कंसिडर करेगा ऑल दोज फैक्टर्स जो नेसेसरी होंगे फॉर डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। डी मतलब क्या? डायरेक्शन, राइट। तो ऑडिटर उन सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करेगा जिन फैक्टर्स की रेलिवेंस होगी, जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर डायरेक्टिंग द टीम्स एफर्ट। फिर कहता है ऑडिटर कंसिडर करेगा रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो ऑडिटर ने परफॉर्म करी है एंड जो उसकी नॉलेज है, जो उसने नॉलेज गेन करी है ऑन अदर एंगेजमेंट। अगर उसने आपके सेम क्लाइंट के ऊपर किसी और एंगेजमेंट में भी काम किया है तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट को लेकर उस नॉलेज को भी यूज करेगा। एंड ऑडिटर असर्टेन करेगा कि कितनी रिसोर्सेज की नीड यहाँ पे पड़ेगी, व्हाट इज द एनटीई ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच आर नेसेसरी टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये आपके जनरल फैक्टर्स हैं जिनको ऑडिटर कंसिडर करता है व्हाइल डिटरमाइनिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है तो आप ये अपने दिमाग में रखो कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाने का ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तीन चीजों को डिसाइड करना, दैट इज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। टाइमिंग को डिसाइड करना मतलब क्या? ऑडिटर को असर्टेन करने पड़ेंगे कि उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइम पे उसको कम्युनिकेशन करनी है, किस टाइम पे उसको मीटिंग बुलानी है ब्रीफिंग की, डीब्रीफिंग की। तो ये आपका टाइमिंग में कवर्ड हो जाएगा। फिर ऑडिटर उन सारे की सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करेगा जो रेलिवेंट हो सकते हैं फॉर डायरेक्टिंग द टीम्स एफर्ट। तो डी क्या आया? डायरेक्शन की बात करिए। फिर अदर फैक्टर्स में क्या आया? ऑडिटर कंसिडर करेगा रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो ऑडिटर परफॉर्म करता है एंगेजमेंट को शुरू करने से पहले। एंड अगर आपके इसी ऑडिटर ने आपके सेम क्लाइंट के किसी और एंगेजमेंट के ऊपर काम किया है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस एंगेजमेंट से, ऑडिटर उसको भी कंसिडर करेगा। एंड ऑडिटर असर्टेन करेगा कि एनटीई ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच इज रिक्वायर्ड, कि इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को किस नेचर के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस टाइम पे उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है और किस एक्सटेंट तक रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। समझ में आया? अब यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर्स जो ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे जब वो स्ट्रेटजी बना रहा है किसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की। तो कहता है ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन कपड़े बेच रही है वो, तो इसका मतलब वो आईटी के ऊपर बेस्ड है। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, इंक्लूडिंग उसके रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस की ड्यू टू न्यू वेंचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, और किन एरियाज में वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब आईटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। नंबर वन, वो कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं इन दी एंटिटीज ऑपरेशन जो सिग्निफिकेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, आपके एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। सो द क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन दी एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ, सबसे पहले ऑडिटर विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी सिस्टम्स, और आईटी सिस्टम्स के लिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा तो इन एरियाज की वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। सबसे पहले क्या कि व्हाट आर द वेरियस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस जो आपके एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है। सो द क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन एंटिटीज ऑपरेशंस व्हिच आर रेलिवेंट मतलब सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। दूसरा, किन प्रोसीजर को यूज करके तुम्हारी एंटिटी इन ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करती है, मतलब कैसे इनकी इनिशिएशन होती है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, करेक्शन कैसे की जाती है। So the procedure within both IT systems and manual systems, आपकी मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर हैं, मैनुअल एज वेल एज आईटी बेस्ड प्रोसीजर, जिन प्रोसीजर को यूज करके इन ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, परचेज की, सेल्स की, ये ट्रांजेक्शन्स, इन ट्रांजेक्शन्स को मैनेजमेंट इनिशिएट करती है, रिकॉर्ड करती है, प्रोसेस करती है, करेक्ट करती है अगर इनकरेक्ट वो आपके ट्रांजेक्शन है एज नेसेसरी, एंड कैसे आप इन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करते हो टू द जनरल लेजर, और कैसे इनकी रिपोर्टिंग इवेंचुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है, एंड हाउ दीज आर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर आपकी ट्रांजेक्शन के प्रोसीजर को समझेगा। ठीक है, आगे कहता है कि ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, जिस आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करके, जिन अकाउंट्स को यूज करके मैनेजमेंट इनिशिएट करती है, रिकॉर्ड करती है, प्रोसेस करती है, रिपोर्ट करती है ट्रांजेक्शन को, जो इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन है उनकी करेक्शन करती है, एंड कैसे आपकी मैनेजमेंट इन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है टू द जनरल लेजर, एंड ये रिकॉर्ड्स आपके मैनुअल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं।
ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि आपकी मैनेजमेंट कैसे उन इवेंट्स को कैप्चर करती है, उन ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर करती है विच आर नॉट रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कहते हैं हाउ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर दोज इवेंट्स कंडीशन अदर देन दोज ट्रांजेक्शन विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब उन इवेंट्स उन ट्रांजेक्शन को कैसे आपकी मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है. कंट्रोल्स सराउंडिंग जनरल एंट्रीज, आपकी मैनेजमेंट के कौन से कंट्रोल्स हैं जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं जनरल एंट्रीज के अराउंड, स्पेसिफिकली जो अनयूजुअल और नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज होती है उनके अराउंड, यूज्ड टू रिकॉर्ड नॉन अकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस और एडजस्टमेंट, राइट. तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ऑब्टेन करेगा. ये अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत अनयूजुअल भी नहीं है, ये आईटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, राइट. क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एसए नंबर 220 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वहीं पे होना चाहिए था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, बट इंस्टीट्यूट ने आपके चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो फिर हम इसको यहीं पे कवर करेंगे. क्वेश्चन कहता है दैट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ FMP लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, इंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीटेड हिज रिव्यू एंड ऑल्सो एंश्योर्ड द कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट इंगेजमेंट. कहता है कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर जो कि एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा था, उसने अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर लिया है और जो रिव्यू की रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लीट किया है इसने, एंड ऑल्सो इंश्योर्ड जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट ऐसे नंबर 220 लगाता है उस इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को भी इसने इंश्योर किया है. क्वेश्चन आगे कहते हैं इंगेजमेंट फाइल्स वर ऑल्सो रिव्यूड बाय द EQCR, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके एज पर ऐसे नंबर 220 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी है. तो जो भी आपकी इंगेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन को आपके रिव्यूअर ने भी रिव्यू कर लिया है, मतलब EQCR की भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है. एक्सेप्ट उसने पूरी फाइल को चेक किया है, एक्सेप्ट एक रिक्वायरमेंट को EQCR ने चेक नहीं किया, दैट इज द इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन. जो आपकी रिक्वायरमेंट एसए नंबर 220 डालता है एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर, वो जो 3 पॉइंट थे इंडिपेंडेंस के जो हमने पहले भी कवर किए हैं जब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कशन करी थी, ठीक है. तो कहते हैं क्वेश्चन आगे कहते हैं इंगेजमेंट पार्टनर वॉज ऑफ द व्यू दैट मैटर्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस असेसमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर. कहते हैं ये तो ऐसे नंबर 220 ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ऐसा इंगेजमेंट पार्टनर कह रहे हैं, ये EQCR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो डॉक्यूमेंटेशन में जो इंडिपेंडेंस रिलेटेड असेसमेंट को लेकर मैंने मैटर्स को इंक्लूड किया हुआ है आपके EQCR को, उसको चेक करने की कोई नीड नहीं है. इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑब्जेक्टेड टू दिस, EQCR को इशू है इस बात से, सही बात है, उसको इशू होना भी चाहिए, एंड रिफ्यूज टू साइन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, उसने मना कर दिया कि मैं डॉक्यूमेंटेशन को साइन नहीं करूंगा, प्लीज एडवाइज एज पर एसए नंबर 220. ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बस मैंने इस वजह से यहाँ पे रखा है कि जो सीक्वेंस आपके इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर है वो सीक्वेंस आपका यहाँ पे चले. तो आपको एडवाइज करना है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ईपी मतलब इंगेजमेंट पार्टनर सही कह रहे हैं या EQCR सही कह रहे हैं. तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली EQCR सही कह रहे हैं, उसका पूरा राइट बनता है इंडिपेंडेंस की असेसमेंट जो इंगेजमेंट पार्टनर ने करी है क्या वो सही है या नहीं. तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे नंबर 220 इंगेजमेंट ऐसे नंबर 220 इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा है इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंस असेसमेंट, ठीक है. तो ये जो हमने 3 पॉइंट कवर किए थे ये वाले, ये आप खुद पढ़ोगे सेल्फ, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा. ये मैंने डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया, मतलब इसी क्वेश्चन बैंक की टेस्ट क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन के अंदर, ठीक है. तो ये सबसे पहले इसने ऐसे नंबर 220 की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है. इसके बाद 4th पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम उसके जूनियर एसोसिएट करे उसके किए हुए काम के रिव्यू करने की. तो कहता है इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिव्यू विच इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, राइट. तो ये नॉर्मल रिव्यू की बात कर रहे हैं. आगे कहता है एज पर एसए नंबर 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी EQCR कि EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, एंड EQCR जब आपका इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा होगा
He shall also consider the engagement team's evaluations of firm's independence in relation to the audit engagement. तो जो independent assessment की requirement ऐसे number 220 engagement partner के ऊपर responsibility fix करता है, EQCR को भी उसको review करना है. In this case, engagement partner सही नहीं बोल रहा है, EQCR सही कह रहा है. So कहता है कि in this case, engagement partner is not right. The independence assessment documentation should also be given to the EQCR for his review. तो engagement partner को जो independent assessment करी है आपके इंगेजमेंट पार्टनर ने, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी EQCR को, ताकि EQCR अपना रिव्यू कंप्लीट कर सके. ये तीन पॉइंट आप अपने एंड पे पढ़ोगे, क्योंकि मैंने इनको जब आपका एसए नंबर 220 के क्वेश्चंस हमने लिए थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वहां पे इसको ब्रीफ में मुझे अच्छे से याद है, डिस्कस किया है. ठीक है, अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. AKJ Limited is a small sized 30 years old company having the business of manufacturing of pipes. 30 साल से कंपनी काम कर रही है, स्मॉल साइज कंपनी है, पाइप्स ये बनाती है. ओके, कंपनी हैज प्लांट बेस्ड आउट ऑफ देहरादून एंड हीट एंड ओके देहरादून एंड हैज देयर कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली. तो कंपनी का प्लांट देहरादून में है और इनका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अंदर है. रिसेंटली द कंपनी अपॉइंटेड न्यू फॉर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर स्टैचुरी ऑडिटर. आपकी कंपनी ने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया है एज देयर स्टैचुरी ऑडिटर. आगे कहते हैं क्वेश्चन, द स्टैचुरी ऑडिटर वॉन्ट्स टू एंटर इन टू एन एंगेजमेंट लेटर विद द कंपनी. यस, पढ़ के आए भाई ऐसे नंबर 210. तो कहते हैं कि जो स्टैचुरी ऑडिटर है कंपनी के, वो एंगेजमेंट लेटर साइन करना चाहते हैं कंपनी के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विसेज, बट कंपनी की मैनेजमेंट हैज कंटेंडेड दैट सिंस द स्टैचुरी ऑडिट इज मैंडेटेड बाय लॉ, क्योंकि आपका जो कंपनीज एक्ट है वही मैंडेट करते हैं कि आपको अपनी स्टैचुरी ऑडिट करानी चाहिए, इंगेजमेंट लेटर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है. ऑडिटर डिड नॉट अग्री टू दिस, ऑडिटर अग्री नहीं करते इस बात से, एंड उन्होंने इंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट शेयर कर दिया विद द मैनेजमेंट फॉर देयर रेफरेंस बिफोर गेटिंग दैट साइंड. इन दिस रिस्पेक्ट मैनेजमेंट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट एज पर एसए नंबर 210 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रेफर्ड टू बाय द ऑडिटर. मतलब एसए नंबर 210 इंगेजमेंट लेटर के केस में एप्लीकेबल होगा. इफ द अग्रीड टर्म्स ऑफ द इंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन इंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन अग्रीमेंट. यस, ऐसा कौन कहता है एसए नंबर 210. वर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ अग्रीड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, बाकी सारी कहानी है. कहता है कि एज पर एसए नंबर 210 जब ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर बनाएगा तो उसके उसको किन किन कंटेंट को उस इंगेजमेंट लेटर के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ूंगी. क्यों? क्योंकि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता और मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. बहुत ही सिंपल से यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. एसए नंबर 540 का क्वेश्चन है. जो टाइम हमने ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में सेव किया उसको यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ प्राइवेट कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रियल स्टेट. एक प्राइवेट कंपनी है जो रियल स्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है. ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन. इसको कर लो ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड. तो ऑडिटर मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि मुझे ना मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसए नंबर 540 इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स उसको फुलफिल करने के लिए जो मैनेजमेंट ने पिछले साल प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लिया था, मुझे वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए. मैनेजमेंट उसको मना कर रही है. द मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड द इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर सेइंग दैट रिव्यू ऑफ द प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डन बाय द ऑडिटर. कि आपका कोई काम नहीं है पिछले साल की जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने लिए हैं उनको रिव्यू करने का आपका काम नहीं है, तो मैं आपको पिछले साल जो मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए थे उनके रिलेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगी. मैनेजमेंट ने मना कर दिया है. आपको ऑडिटर को एडवाइस करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. आप अपनी बुक के पेज नंबर 25 पे जाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 47 के ऊपर. ये आपका एसए नंबर 540 का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा तब आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाओगे. ऑडिटर मैनेजमेंट से पिछले साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्यों मांग रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा. देखो, मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है. फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाती है इन रिलेशन टू डाउटफुल डेट.
ठीक है, मैनेजमेंट कहते हैं कि मुझे लगता है कि यार इस बार जितने भी मेरे डेटर्स हैं उसमें से 10% लोग ऐसे हैं, डेटर ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि पैसा नहीं आएगा, तो फिर मैं उसके रिलेशन में प्रोविजन बनाऊंगी। तो ये प्रोविजन बनाना, ये मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। ठीक है, तो मान लेते कि मैनेजमेंट ने पिछले साल अपनी प्रोविजन बनाई थी फॉर द डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाई थी फॉर द डाउटफुल डेट, और वो प्रोविजन कितने की थी, 10% की थी, राइट। ऑडिटर को ना यही इंफॉर्मेशन चाहिए प्रायर पीरियड की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है वो कर रहा है करंट पीरियड की, लेकिन उसको करंट पीरियड की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो प्रायर पीरियड पे मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए थे ना उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन इस वजह से चाहिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपकी ये जो मैनेजमेंट है इसकी अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने की एक्यूरेसी कितनी है। मतलब क्या, जो पिछले साल प्रोविजंस बनाई थी मैनेजमेंट ने ऑन दिस एस्टिमेशन कि मुझे लगता है कि मेरे जितने भी डेटर्स हैं उसमें से 10% लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, उसमें से अब इस साल कुछ ना कुछ एक्चुअल में बैड डेट हो चुके होंगे, तो यहाँ पे जो 10% की एक्सपेक्टेशन थी कि 10% लोग ऐसे हैं जहाँ से मैनेजमेंट को लगता था उसको पैसा नहीं आएगा, एक्चुअल में अगर जो पैसा नहीं आया वो 8% है, या आप इसको बोलो कि अगर 10% के आसपास है वो, तो आप बोलोगे कि मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। मतलब ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ऐसे नंबर 540 की, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि क्या वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है या नहीं है। एंड हमने ऐसे नंबर 540 में इस चीज को देखा भी हुआ है, और जो एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर कवर किया वहां पे भी हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपकी मैनेजमेंट जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को ले रही है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। ठीक है, तो जब आपका ऑडिटर मैनेजमेंट की प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिजल्ट को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कितनी एक्यूरेसी से अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। तो इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट लेस होगा अगर एक्चुअल आउटकम आपकी 10% के आसपास है। तो इस वजह से ऑडिटर मैनेजमेंट से प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और मैनेजमेंट जो उसको मना कर रही है वो गलत है क्योंकि ऐसे नंबर 540 में लिखा हुआ है ये प्रोसीजर, राइट। तो अब देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसके रिलेशन में आंसर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस दी गई है स्टैंडर्ड के नंबर की, दैट इज ऐसे नंबर 540, फिर आपके स्टैंडर्ड का नाम लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। ये क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर्स कि ऑडिटर को रिव्यू करनी पड़ती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के आउटकम को। कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? जो आपकी मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिए थे उनके आउटकम, मतलब उनके रिजल्ट को रिव्यू करेगा ऑडिटर। तो कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर उनकी सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन भी करता है फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड, राइट। लेकिन आपका ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट की एस्टिमेशन जो मैनेजमेंट ने पिछले साल लिए थे उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा। मतलब क्या, ये मैनेजमेंट ने जो पिछले साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए होंगे वो पिछले साल की सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रख के लिए होंगे। तो आगे कहते हैं, हाँ ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, क्या, हाउएवर रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन द जजमेंट विच इज मेड इन द प्रायर पीरियड्स। कहता है कि ऑडिटर रिव्यू तो करेगा प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे कि आपने किन बेसिस पे ये डिटरमाइन किया था कि इन डेटर्स में से 10% लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ऑडिटर मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाता है as they were based on the information available at that time, क्योंकि ये accounting estimates management ने जो पिछले साल information थी उसके basis पे लिए थे। ठीक है, आगे कहता है कि ऑडिटर जब रिव्यू करेगा प्रायर पीरियड की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का तो वो किस नेचर का रिव्यू होगा, किस एक्सटेंट तक वो रिव्यू करेगा, वो सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस्ड होगा। तो कहता है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू टेक्स अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि किस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिलेशन में ऑडिटर यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, एंड whether the information which is obtained from the review would be relevant to identifying and assessing the risk of material misstatement, कि ऑडिटर जो आपके प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जिनके रिलेशन में वो रिव्यू कर रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन करंट पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स
के रिलेशन में ऑडिटर को जो रिस्क की असेसमेंट करनी पड़ती है अगर उसके लिए रेलिवेंट होगी तो फिर वहां पे वो एक्सटेंसिव चेकिंग करेगा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विल ऑफ्टन डिफर फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है ना कि एक्चुअल आउटकम आपकी अलग हो और जो आपकी मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए थे वो अलग हो। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड की रीजन क्या है इन डिफरेंसेस के, ताकि ऑडिटर ऑब्टेन कर सके इन्फॉर्मेशन किस चीज को लेकर कि मैनेजमेंट कितनी एक्यूरेसी से अपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को ले पाती है, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लेने की प्रोसेस कितनी इफेक्टिव है। सो दैट ऑडिटर में ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस फ्रॉम विच द ऑडिटर कैन जज लाइकली इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट करंट प्रोसेस। मैंने क्या बोला कि अगर 10% के आसपास आपका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है ना, इसका मतलब मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को एक्यूरेसी से ले पाती है, मतलब मैनेजमेंट की अकाउंट एस्टिमेट लेने की जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट है, वो अच्छी प्रोसेस है, तो इसका मतलब रिस्क उसका कम है। आगे कहता है, देखो आप यही तो कर रहे हो, करंट ईयर में ऑडिटर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का उसकी असेसमेंट कर रहा है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसए नंबर 540। फिर कहता है, सेकंड पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, ये कहता है कि दिस मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस विच आर रिलेटेड टू द री एस्टिमेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो आपकी मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड्स में लिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है ना कि आपकी मैनेजमेंट ने जिन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को प्रायर पीरियड्स के अंदर लिया था, करंट पीरियड के अंदर आपकी मैनेजमेंट उन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का री एस्टिमेशन कर रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैनेजमेंट को पिछले साल लगता था कि जितने डेटर्स हैं उसमें से 10% ऐसे जिनके बैड डेट हो जाएंगे, लेकिन इस साल मैनेजमेंट को ऐसा नहीं लगता है, तो मैनेजमेंट ने उन अकाउंटिंग एस्टीमेट की री एस्टिमेशन करी है। तो ऑडिटर को ये हेल्प करता है टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस विच आर pertinent, pertinent का मतलब which are closely related to the re-estimation in the current period job की management ने करी किसकी prior period के accounting estimates की। This also help your auditor to obtain the audit evidence of matters such as estimation uncertainty कितनी attached है उन accounting estimates के साथ जो आपकी management ले रही है, और आपकी management को उनके disclosures देने पड़ते हैं in the financial statement and that may be required to be disclosed in the financial statement। आगे कहता है, जब आपका ऑडिटर प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का रिव्यू करता है तो उसको समझ में आता है, वो आइडेंटिफाई कर पाता है उन सर्कमस्टांसिस को, इवेल्युएट कर पाता है उन सिचुएशंस को जो इंडिकेट करती है कि आपकी मैनेजमेंट ने अपने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को लेने के लिए मैनेजमेंट बाइस को एक्सरसाइज किया है। तो कहते हैं, द रिव्यू ऑफ द प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में ऑल्सो असिस्ट द ऑडिटर। जब ऑडिटर प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को इवेल्युएट करता है तो ये हेल्प करता है ऑडिटर को इवेल्युएट करने में कि करंट पीरियड में आपकी मैनेजमेंट ने किन किन जगह पे मैनेजमेंट ने बाइस को एक्सरसाइज किया है, तो ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दो सर्कमस्टांसिस, दो कंडीशन जो इंक्रीज कर दे, जो बढ़ा दे रिस्क ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट और जो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस, ठीक है। आगे कहते हैं, अगर ऑडिटर को इवेल्युएट करने सर्कमस्टांसिस ऑफ पोटेंशियल मैनेजमेंट बायस तो फिर वो कैसे इवेल्युएट करे, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो कहते हैं, ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सच सर्कमस्टांसिस और कंडीशन विच मे बी इंडिकेटर्स ऑफ द पोटेंशियल मैनेजमेंट बायस एंड इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर कैसे आगे रिस्पॉन्ड करेगा, उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, उस रिलेशन में भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दस जॉब की मैनेजमेंट कह रही है कि मैं पिछले साल के जो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, तो मैनेजमेंट की कंटेंशन गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है, एक्स लिमिटेड हैड अ नेट वर्थ ऑफ रुपीस 1300 करोड़ बिकॉज ऑफ विच इंडेस बिकम एप्लीकेबल टू देम। तो कंपनी की नेटवर्थ है रुपीस 1300 करोड़ की, जिसकी वजह से इस कंपनी को इंडेस के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करना है, मतलब ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडेस के अकॉर्डिंग बनाएगी। क्वेश्चन आगे कहता है, द कंपनी हैड वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ईटीसी। तो कंपनी के बहुत सारे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, which was required to be fair valued for which company got the valuation done through an external third party।
तो जिसकी वैल्यूएशन आपकी कंपनी को करनी है, और कंपनी ने इसकी वैल्यूएशन करी है विद द हेल्प ऑफ आ एक्सटर्नल थर्ड पार्टी वैल्यूअर। तो मतलब मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त किसी एक्सपर्ट को यूज किया है वैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन आगे कहता है, द स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्ड एन ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑडिट वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव। आपका ऑडिटर भी जब ऑडिट कर रहा है तो वो भी वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए किसी ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे इतना समझ में आ रहा है आपको, एसए नंबर 620 एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन आगे कहते हैं, ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट वर न्यू टू ईच अदर। एक दूसरे को ये जानते नहीं है, कभी ऑडिटर ने इस ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को पहले यूज नहीं किया। That is, they were working for the first time together, but developed a good bond. Good bond तो ठीक है, लेकिन आपके ऑडिटर ने कभी भी ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को पहले यूज नहीं किया, उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपर्ट के साथ। आगे कहते हैं, द ऑडिटर डिड नॉट एंटर इंटू एनी फॉर्मल एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट, प्लीज एडवाइज। आपके ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ इस वैल्यूएशन के एरिया में जब वो हेल्प ले रहे हैं इस ऑडिटर एक्सपर्ट की, तो उसने कोई भी एग्रीमेंट एंटर नहीं किया। आपको एडवाइस करनी है कि क्या इसने सही किया, आंसर इज नो। आप इसको पेज नंबर 19 पे जाओगे, एसए नंबर 620 के कंसेप्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। तो कहता है, एज पर एसए नंबर 620, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क मे वेरी कंसिडरेबली विद द सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि आपके ऑडिटर एक्सपर्ट का काम का नेचर क्या होगा, उसके स्कोप में क्या चीजें आएंगी, वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी कर सकती हैं। आपके ऑडिटर की और ऑडिटर एक्सपर्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ये भी वेरी कर सकती हैं, राइट। एंड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट, ये भी सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी कर सकता है कि किस वे से ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इट इज देयरफॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब क्या ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट इन मैटर्स के रिलेशन में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में एंटर करो। मतलब आप स्पेसिफाई करो कि आप ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट किस टाइप की कम्युनिकेशन करेंगे, किस टाइप के नेचर ऑफ वर्क को ऑडिटर एक्सपर्ट परफॉर्म करेगा फॉर द ऑडिटर, उसका स्कोप क्या होगा। सो ऑल दिस नीड्स टू बी फॉर्मली अग्रीड बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, फिर कहता है कि कुछ सिचुएशन के अंदर डिटेल्ड एग्रीमेंट का राइटिंग के अंदर होना मैंडेटरी हो जाता है, और इसने नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं कि किन सिचुएशन के अंदर एक डिटेल्ड एग्रीमेंट आपको एंटर करना चाहिए ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले कहता है, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है तो आप एग्रीमेंट एंटर कर लो ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, और उसको बता दो कि जो भी तेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सबसे पहले कहता है, द ऑडिटर एक्सपर्ट विल हैव द एक्सेस टू द सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इंफॉर्मेशन। दूसरा, जिस मैटर के रिलेशन में ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का मैटर है। जैसे कि हमारी सिचुएशन के अंदर भी ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है इन द वैल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का मैटर है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप एग्रीमेंट में एंटर करो। तो कहते हैं, द मैटर टू विच द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क रिलेट्स इज हाईली कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स मैटर है तो भी आपको एग्रीमेंट में एंटर करना चाहिए। द ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली यूज्ड द वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट। अगर आप एक ऐसे ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो अपने काम के लिए, अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, जिस ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को आपने कभी भी यूज नहीं किया, हमारे सिनेरियो में भी तो यही है कि पहली बार आपका ऑडिटर इस ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहा है, ठीक है, वो इसकी हेल्प ले रहा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी उनको एग्रीमेंट में एंटर करना चाहिए। आगे कहते हैं, जितना ज्यादा द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क इन रिलेशन टू ऑडिट, और जितनी ज्यादा रेलिवेंस है उसके काम की ऑडिट के परस्पेक्टिव से, उतना ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करो। ठीक है, इन दिस गिवन सिचुएशन क्या हो रहा है कि इन दिस गिवन सिचुएशन आप वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए ऑडिटर ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स इन द नेचर। तो कहता है, इन द गिवन सिचुएशन कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी विच इज इन्वॉल्व्ड इन द वैल्यूएशन, एंड अगर आप डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम को देखोगे, एंड ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट, और आप इस फैक्ट को भी कंसिडर करो कि ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट एक दूसरे के लिए नए हैं, दे आर न्यू टू ईच अदर, ऑडिटर शुड हैव, ऑडिटर को साइन करना चाहिए था एक फॉर्मल एग्रीमेंट या एंगेजमेंट लेटर विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क विच इज बींग असाइन टू हिम, उसने ऐसा नहीं किया तो उसने सही नहीं किया। ये तुम्हारा क्वेश्चन था।
अब ये क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप एनोमली मार्क कर लो क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है सिनेप्लेक्स एक मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स है, PVR वगैरह ऐसे टाइप, इज द फॉरमोस्ट थिएटर लोकेटेड इन दिल्ली। तो दिल्ली का सबसे फेमस फॉरमोस्ट थिएटर है ये आपका सिनेप्लेक्स, अलोंग विद द सेल ऑफ द टिकट ओवर द काउंटर एंड ऑनलाइन बुकिंग। तो ये अपनी टिकट को बेचता है काउंटर के ऊपर और ऑनलाइन भी यहाँ पे टिकट की बुकिंग होती है। द मेजर प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज फ्रॉम द कैफे, मतलब सेल की टिकट से तो इनको इनकम आती ही आती है ऑनलाइन सेल से और जो काउंटर पे टिकट काउंटर पे जो टिकट बिकती है उनसे। इसके अलावा भी आपके इस मूवी थिएटर को इनकम आती है फ्रॉम द कैफे शॉप्स पब्स ETC जो उसके अंदर होंगे वहां से, लोकेटेड इन द कॉम्प्लेक्स। इट्स अदर इनकम इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट एग्जिबिटेड विद इन और आउटसाइड द प्रेमाइसिस। आपने देखा होगा कि जब आप मूवी थिएटर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स लगी होती है, होर्डिंग्स लगी होती है, वहाँ से भी इसको इनकम मिलती है। जो अंदर लगी हुई है वहाँ से भी और जो बाहर लगी हुई है प्रेमाइसिस के वहाँ से भी एडवर्टीजमेंट की जो होर्डिंग्स है वहाँ से इसको इनकम आती है। शॉर्ट फिल्म जो आपकी चल रही है बीच में एडवर्टीजमेंट आती है वहाँ से इसको इनकम आती है, बैनर से इनकम आती है। तो इसके ये अदर सोर्सेज हैं इनकम के, राइट। क्वेश्चन आगे कहते हैं द फैसिलिटी फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द बेसमेंट ऑफ द प्रेमाइसिस। तो व्हीकल्स आपने देखा होगा कि जब आप मॉल्स में जाते हो तो नीचे बेसमेंट में पार्किंग होती है तो वहां से भी इनको इनकम आ रही है। सिनेप्लेक्स अपॉइंटेड योर फर्म एज एन ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, तो इस सिनेप्लेक्स ने आपको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी बींग द हेड ऑफ द ऑडिट टीम। आप कौन हो, हेड हो ऑडिट टीम के, तो मान लेते हैं आप कौन हो, एंगेजमेंट पार्टनर हो। यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू ड्रो द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम मतलब क्या कि हर एक चीज आप डिटेल्ड में आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब कि क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, ये एवरीथिंग नीड्स टू बी डिफाइंड इन द ऑडिट प्रोग्राम इनिशियली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। किस रिलेशन में बनाना है आपको ऑडिट प्रोग्राम, इन रिलेशन टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कंसिडरिंग द अबव मेंशन फैक्ट, जो भी आपने ऊपर देखा कि इसको कहाँ कहाँ से इनकम आती है, ठीक है। तो उस एरिया को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसी पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है अलॉन्ग विद द अदर रेलिवेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू सच अ कॉम्प्लेक्स। तो आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है सिनेप्लेक्स के लिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तभी मैंने बोला कि थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इसको एनोमली मार्क कर सकते हो। ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाओगे सिनेप्लेक्स, मतलब किसी भी मल्टीप्लेक्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा कोई पॉइंट आप लिख के आ सकते हो। और ऑडिट प्रोग्राम किसके रिलेशन में आप बना रहे हो, यहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की चेकिंग को लेकर। तो कहते हैं सबसे पहले तो ये इस एंटिटी के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए, इसके ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप क्या करो, आप स्टडी करो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस एंटिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी जो कंपनी काम कर रही है वो उसके ऑब्जेक्ट में अलाउड है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ MOA परमिट्स द एंटिटी टू इंगेज इन दिस बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप MOA को पढ़ोगे और AOA को पढ़ोगे। आगे कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट, आपको ये सारे काम आप कर सकते हो क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ऑडिटर डिफाइन करता है कि वो कैसे कंफर्ट लेगा, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यहाँ पे डिफाइन करता है डिटेल के अंदर। तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट ऑडिटर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग, जो इनकम आपकी सिनेप्लेक्स को हो रही है फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट उसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर इन प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है। क्या, ऑडिटर विल एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं ओवर द सेल ऑफ टिकट। सो ऑडिटर विल एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर कि आपकी मैनेजमेंट जब भी टिकट्स को बेचते हैं तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। ऑडिटर विल एग्जामिन द सिस्टम फॉर ऑनलाइन बुकिंग, आपने ऊपर देखा ना कि ऑनलाइन भी आप अपनी सेल्स की, ऑनलाइन भी आपके जो कस्टमर है वो टिकट की बुकिंग करते हैं। सो ऑडिटर विल एग्जामिन द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ मनी की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, कैसे आपकी ये एंटिटी, ये जो सिनेप्लेक्स है, अपनी इनकम को रियलाइज करता है। ऑडिटर विल एग्जामिन कि आपकी एंटिटी का सिस्टम क्या है फॉर द रिकंसिलिएशन ऑफ कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, विद द नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड भी आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो और विद द नंबर ऑफ द सीट्स विच आर अवेलेबल रिकंसिलिएशन कैन बी डन। आप यहाँ पे विद द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल की जगह बिल्कुल ये लिख सकते हो विद द टिकट्स विच आर बींग सोल्ड, राइट। फिर आगे कहते हैं ऑडिटर विल एग्जामिन द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स रिलेटिंग टू द इनकम फ्रॉम द कैफे शॉप्स पब ETC विच आर लोकेटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वहां से तुम्हें याद आ जाने चाहिए पॉइंट। कहते हैं कि ऑडिटर कंट्रोल्स देखेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं इन रिलेशन टू द जो इनकम आपकी इस एंटिटी को हो रही है, सिनेप्लेक्स को हो रही है, उन कैफे से, उन पब से, रेस्टोरेंट से जो इस सिनेप्लेक्स के अंदर है, राइट। ऑडिटर कंट्रोल्स एग्जामिन करेगा
which are exercised relating to the income receivable from the advertisement exhibited within the premises. ये भी आप ऊपर से evaluate कर पाओगे. तो देखो, अगर तुम प्रोसीजर देख रहे हो, बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसीजर नहीं है. सबसे पहले उसने MOA पढ़ा, AOA पढ़ा, ठीक है. दूसरे पॉइंट के अंदर सेल्स ऑफ टिकट के रिलेशन में वो कंफर्ट ले रहा है, तो किन प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा. तो पहला पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल्स के ऊपर है कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने जो टिकट वो सेल करी है उसकी अकाउंटिंग के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं. अगर तुम इसके तीसरे पॉइंट में जाओगे, यहाँ पे भी कंट्रोल की बात हो रही है. चौथे पॉइंट के अंदर भी ऑडिटर कंट्रोल की एग्जामिनेशन कर रहा है. तीसरे पॉइंट के अंदर ऑडिटर एग्जामिनेशन कर रहा है उन कंट्रोल्स के जो मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं इन रिलेशन टू द इनकम जो आपकी इस एंटिटी को हो रही है. कहां से? कैफे, शॉप्स, पब, ईटीसी. और जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर ऑडिटर एग्जामिनेशन कर रहा है उन कंट्रोल्स की जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं इन रिलेशन टू द इनकम जो इस एंटिटी को हो रही है, सिनेप्लेक्स को हो रही है, फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स जो ये एग्जिबिट कर रही है होर्डिंग्स पे, बैनर्स पे, विद इन एंड आउटसाइड द प्रीमाइसेस. ठीक है, तो यहां पे कंट्रोल्स के रिलेटेड टोटल अगर आप देखोगे तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आगे कहते हैं ऑडिटर विल एग्जामिन द सिस्टम ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द पार्किंग एरिया. मैंने क्या बोला, क्वेश्चन से तुम आंसर बनाओ. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे आपकी बेसमेंट के अंदर पार्किंग है, तो ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा उस सिस्टम को कि कैसे उस पार्किंग एरिया से जो इनकम आती है वहां की कलेक्शन कैसे होती है. ऑडिटर विल एग्जामिन द सिस्टम ऑफ द पेमेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर विच मे बी आइदर थ्रू द राइट थ्रू आउट राइट पेमेंट और परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन. देखो, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, जहां से आप मूवी खरीदते होगा आपका ये सिनेप्लेक्स, राइट. तो ये कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूटर से मूवी खरीद के ही अपने थिएटर के अंदर मूवी चलाता होगा, तो उनको आपका ये सिनेप्लेक्स पेमेंट कैसे करता है, परसेंटेज बेसिस पे करता है या तुम एक टाइम भी पेमेंट कर देते हो, उस सिस्टम को भी ऑडिटर इवेल्युएट करेगा. क्योंकि ऊपर तक तो इनकम की बात होगी, फिर इसको एक्सपेंडिचर का भी तो प्रोसीजर बनाना है, तो ये पेमेंट की बात होगी, ये एक्सपेंडिचर का प्रोसीजर हो गया. आगे कहता है ऑडिटर विल एग्जामिन द सिस्टम ऑफ पेमेंट टू द सैलरीज एंड अदर बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज. यहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे तो ये भी एक्सपेंडिचर की इवेल्युएशन हो रही है, तो ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि आपका ये सिनेप्लेक्स कैसे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, राइट. एंड जो स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है, कैसे उनके कंप्लायंस को इंश्योर करता है, जैसे कि बोनस देना हो गया उनको, पीएफ में पैसा डालना हो गया, तो कैसे इंश्योर कर रहा है आपका ये सिनेप्लेक्स. ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि आप जिस भी बिल्डिंग में ये सिनेप्लेक्स काम कर रहा है उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे किस किस टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, ठीक है. सो ये भी आपका एक्सपेंडिचर का पॉइंट हो गया. तो लास्ट के तीन पॉइंट आपके एक्सपेंडिचर के आगे, तो ये आपके ऑडिट प्रोसीजर हो गए. ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या, जब ऑडिटर अपना प्रोग्राम बनाएगा जो फाइनल आपका स्टेज होता है प्लानिंग का, उसके उस टाइम पे इन प्रोसीजर को वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेगा, ठीक है. अब इसके बाद ये पार्ट थ्री केस सिनेरो है. हाँ, ये केस सिनेरो भी आपका डिस्कस हो चुका है ICI की जो न्यू केस स्टडीज है उसके अंदर, तो वहां पे मैं दिखा देती हूँ कौन सी केस स्टडी है. ओके, सो ये आपकी केस स्टडी नंबर 9 है. ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो बच्चे इसको क्लास में देखेंगे, जो YouTube पे देखेंगे, फिर उनको भी वहाँ पे केस स्टडी की क्लास पड़ी हुई है जो अभी डाली थी, जिसके अंदर पहली 10 केस स्टडीज़ है इंस्टीट्यूट की, तो उसके अंदर जो केस स्टडी नंबर 9 है वही आपकी स्टडी मटेरियल की ये केस स्टडी है चैप्टर नंबर 3 की. यहाँ पे केस स्टडी के अंदर नाम CA प्राची है, और आप अपने SM के अंदर नाम देखोगे तो CA अनूठी है, सिर्फ यही डिफरेंस है. तो यहाँ पे मैं जो क्लास बच्चों को दूंगी ड्राइव के ऊपर, उसके अंदर ऐड कर दूंगी वही केस स्टडी की डिस्कशन, और जो यूट्यूब पे बच्चे होंगे उसमें नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि वो लेंथी हो जाती है क्लास की ड्यूरेशन, फिर वो क्लास की ड्यूरेशन देख के ही डर जाते हैं, वो कहाँ से कर सकते हैं कवर. वो आपकी जो केस स्टडी की क्लास है उसके अंदर जो केस स्टडी नंबर 9 है वहां से कवर कर सकते हैं. आपको जरूरी नहीं कि आप इस केस स्टडी को अभी देखो, जब आप उस क्लास को देखोगे जिसके अंदर 20 केस स्टडीज है जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि नई केस स्टडीज है, ऐसी सिमिलर केस स्टडीज इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप उस टाइम पे भी इसको कवर कर सकते हो. क्योंकि ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है कि आपको हर एक चीज कवर करनी जो SM के अंदर है, तो आप कैसे भी उसको कवर कर लो, ठीक है. सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को देखो. बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो.